सो हाय गाइस, गुड इवनिंग. सो देर इज सम अनाउंसमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गॉट कोविड दिस वीक. मुझे फ्राइडे को पता चला. सो पिछला एक हफ्ता थोड़ा खराब रहा, और दैट इज़ वाई मैंने जैसा बता भी रखा पेड मेंबर्स को, आई वॉज नॉट एबल टू टेक क्लासेस ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. ये पेड क्लासेस नहीं हो पाई, और आज मंडे है 23 जनवरी, और आज भी हमारी एक क्लास थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये क्लास भी लाइव नहीं ले पा रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द प्लान कि क्या प्लान है. तो प्लान इज दिस कि आई एम रिकवरिंग एंड मोस्ट लाइकली मैं 25 वाली क्लास तक फिट हो जाऊंगा टू टेक लाइव क्लासेस. तब तक मुझे लगातार बोलने और काम करने से मना किया गया है. तो मैंने क्या किया है, मैंने आज की जो क्लास है, विच इज फेचिंग डेटा प्लस डेटा एनालिसिस प्रोसेस, ये रिकॉर्ड की है. ठीक है, सो ये जो आप लेक्चर देख रहे हो, दिस इज द रिकॉर्डेड लेक्चर. इसमें ये टॉपिक हमने कवर किया है, फेचिंग डेटा प्लस डेटा एनालिसिस प्रोसेस. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंटेंट नया है, एज इन मैंने आज और कल में शूट किया है, और काफी सारा कंटेंट मैंने रीयूज किया है मेरे पुराने वीडियोस से. ठीक है, बट द होल आइडिया वॉज कि सिंस आज क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, तो एटलीस्ट हमारा जो कोर्स है वो ट्रैक पे रहे, पीछे ना रहे. तो दैट इज वाई हम लोग ये रिकॉर्डेड सेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड 25 तारीख से वी विल रिज्यूम आवर नॉर्मल क्लासेस. ठीक है, जो पेड लोग हैं, एज इन जो पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि 25 तारीख को, सॉरी 20 तारीख को हमारी क्लास थी ओपन सोर्स के ऊपर, और 21 तारीख को हमारी क्लास थी वेब स्क्रैपिंग के ऊपर. ये दोनों क्लासेस नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली. तो मैंने ये जो 20 वाली क्लास है ना, इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है जब भी मुझे टाइम मिला पिछले 3-4 दिनों में, वेन एवर आई फेल्ट कि यार थोड़ा हो जाएगा. तो मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वेबसाइट के ऊपर. सो ओपन सोर्स पार्ट वन नाम से ये वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, शायद आपने देखा भी होगा. तो सेकेंड पार्ट आई एम प्लानिंग कि कल ट्यूसडे को आई विल शूट एंड आई विल अपलोड. ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग ये वाला क्लास कवर कर लेंगे जो मिस हुआ. वेब स्क्रैपिंग वाला क्लास कवर नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको आगे इसी मंथ में कवर कर लेंगे. ठीक है, तो मैं थर्सडे को जो वेंसडे को जो क्लास है डेटा क्लीनिंग वाला, ये हम लोग लाइव लेंगे बैक टू नॉर्मल, और वहां पर मैं आपको क्लियरली एक बार बता दूंगा कि आगे का शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बिकॉज हमने पीछे थोड़ा मिस किया है. तो बाकी फ्री वाली क्लासेस हम लोग ट्रैक पे रह रहे हैं. बस एक ही प्रॉब्लम है कि आज की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड होगी, लाइव नहीं होगी. ठीक है, आपको टास्क कल मिल जाएगा. ऑल्सो टास्क से मुझे याद आया कि पिछले 2 वीक्स के टास्क सोल्यूशंस भी मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए, अगेन बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल, तबीयत ठीक नहीं रह रही है. तो आई विल ट्राई कि इस वीक में मैं उनको कवर कर लूँ. ठीक है, सो आई नो गाइज, आई एम रियली सॉरी. थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सेटबैक लगा है कोर्स को पिछले 1 वीक में, ये 3 क्लासेस नहीं हुई हैं, बट इट्स ओके. एक बार वापस आने के बाद आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट इज लेफ्ट, कुछ बचेगा नहीं. ठीक है, अब लेट मी टेल यू अबाउट दिस सेशन. आज का जो सेशन है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. आज का सेशन इज ऑन डेटा एनालिसिस प्रोसेस एंड फेचिंग डेटा. सो हमने अभी तक पाइथन पढ़ लिया है, हमने नंपाई पढ़ लिया, हमने पैंडास पढ़ लिया, और हमने डेटा विजुअलाइजेशन की 2-3 लाइब्रेरीज भी पढ़ ली. नाउ वी आर रेडी टू मूव इन टू द एरिया ऑफ या डोमेन ऑफ डेटा एनालिटिक्स. ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स में आज की जो क्लास है वो काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में आई विल गिव यू एंड इंट्रोडक्शन अबाउट डेटा एनालिसिस प्रोसेस, कि कैसे डेटा एनालिसिस होता है. सो मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इन टूडेज लेक्चर इज विल डिस्कस द डेटा एनालिसिस प्रोसेस. सो बेसिकली कभी भी अगर आप एक डेटा सेट को उठा रहे हो और उसके ऊपर एक एनालिसिस रन कर रहे हो, तो क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा. प्रिसाइजली आपको कंक्लूजन में निकल के आएगा कि देर आर 3 थिंग्स. द फर्स्ट वन इज डेटा गैदर करना. ऑब्वियसली डेटा एनालिटिक्स करने के लिए आपको डेटा चाहिए होगा, डेटा गैदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड स्टेप इज डेटा क्लीनिंग. 99% टाइम्स आपके पास जो डेटा आएगा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, उसको ठीक करना.
एंड द थर्ड स्टेप वुड कम आउट टू बी ईडीए। ठीक है, तो मेजरली यही तीन स्टेप्स हैं, बाकी मैं और डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। तो हमारा गोल ये है कि हम लोग आज ये फर्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, डेटा गैदरिंग। ठीक है, सो अलग अलग सोर्सेस से डेटा को कैसे लाया जाता है वो आप इस वीडियो में सीखोगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट डेटा गैदरिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट डेटा गैदरिंग। बाकी डेटा क्लीनिंग हमारा नेक्स्ट क्लास होगा 25 तारीख को, और फिर ईडीए के ऊपर भी एक दो क्लासेस होंगी फ्यूचर में। आई लेट यू नो द शेड्यूल। ठीक है, आज का क्लास इज टोटली ऑन डेटा गैदरिंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लेक्चर। सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पैंडाज में इम्पोर्ट करना डेटा को अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे सीएसवी, जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बट हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे एक्सेल फाइल्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। फिर हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट फाइल्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर हम सीखेंगे जेसॉन फाइल्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। फिर हम सीखेंगे डेटाबेसेस के थ्रू कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट सारा सीखने के बाद हम लोग फिर एक्सपोर्ट करना भी सीखेंगे। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो डेटा फ्रेम है आप उसको किसी और दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके आगे भेजना चाहते हो, किसी दूसरे एनालिसिस के लिए या किसी दूसरी टीम के लिए। वहां पे भी हम लोग चार पांच चीजें सीखेंगे। सबसे पहले सीएसवी में एक्सपोर्ट करना सीखेंगे, फिर हम लोग जेसॉन में एक्सपोर्ट करना सीखेंगे, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना सीखेंगे, डेटाबेस में एक्सपोर्ट करना सीखेंगे, और एचटीएमएल में भी एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। ये पांच फॉर्मेट्स में हम लोग एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग दो और चीजें करेंगे, हम लोग एक एपीआई से डेटा कैसे लाया जाता है वो सीखेंगे, और हम लोग वेब स्क्रेपिंग से डेटा कैसे लाया जाता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, ऑल दो वेब स्क्रेपिंग जो हम सीखेंगे वो बहुत बेसिक लेवल होगा, थोड़ा एडवांस लेवल भी आपको पढ़ाया जाएगा, बट वो पेड सेशन में पढ़ाया जाएगा। मैं आपके साथ शेड्यूल डिस्कस कर दूंगा, बट जो भी है, आज का ये सेशन अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो डेटा गैदरिंग आप अच्छे से सीख जाओगे, डेटा को अलग अलग सोर्सेस से लाना अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड आज का वीडियो आप एंड टू एंड पूरा देखो। कल आपको टास्क भी मिलेगा, टास्क को कंप्लीट करो, इट विल सेट अप गुड फाउंडेशन। ठीक है, और या दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। डेटा एनालिसिस में टिपिकली जो भी स्टेप्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके पहले एक बार लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली डेटा एनालिसिस इज। सो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लींजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा विद द गोल ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मिंग कंक्लूजन्स एंड सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग। बहुत सिंपल है, आप तुम लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉग्स भी लिखे हैं इसके बारे में, तो यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट डेटा एनालिसिस, राइट? सो यू हैव गॉट डेटा, डेटा के अंदर तुम चेंजेस कर रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो विद दिस गोल कि तुम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाओ जो तुमको इवेंचुअली तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने में या चलाने में हेल्प करेगा, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स डिस्कस कि इस डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं या क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इन टोटल देर आर फाइव पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। कभी भी तुमको डेटा मिलेगा यू विल हैव टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर स्टेप जहां पे तुम क्वेश्चंस पूछोगे उस डेटा से। ठीक है, नेक्स्ट द सेकेंड स्टेप इज डेटा रैंगलिंग एंड सम पीपल ऑल्सो कॉल इट डेटा मंजिंग, और बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में यू कैन कॉल इट डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो वॉट हैपन्स इज कि यू ऑलरेडी नो दिस, राइट? डेटा जो तुमको मिलता है वो एकदम सही फॉर्मेट में नहीं होता, उसमें गलतियाँ होती हैं, उसमें एरर्स होते हैं, एंड उस तरह के डेटा को तुम डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते। सो व्हाट यू डू इज यू क्लीन इट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज यहाँ पे डेटा अगर क्लीन हो गया तो आगे का एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है, और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये टाइम भी बहुत लेता है। लाइक अगर टोटल टाइम का बात करें तो डेटा रैंगलिंग का प्रोसेस अराउंड 70% ऑफ द टाइम खा जाता है। ठीक है, सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द थर्ड स्टेप इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो अगेन हमने बहुत बार किया है ये, यू क्लीन योर डेटा एंड नाउ यू हैव योर डेटा एंड यू व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू एक्सप्लोर, यू ट्राई टू फाइंड आउट पैटर्न्स, यू प्लॉट ग्राफ्स, यू डिराइव कोरिलेशन, सो दैट तुमको बेसिकली डेटा का आइडिया हो पाए और तुम और अच्छे से एनालिसिस अपना कर पाओ। सो दिस स्टेप इज रियली इंपॉर्टेंट।
द फोर्थ स्टेप इज ड्रॉइंग कंक्लूजन्स. सो नाउ दैट यू हैव डन योर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तुमने टाइम स्पेंड किया डेटा के साथ, और अब यू आर इन दिस पोजिशन दैट यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटा एंड नाउ यू कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन्स. दिस स्टेप इज इम्पॉर्टेंट. द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स. सो नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ योर फाइंडिंग्स, यू हैव ड्रॉन सम कंक्लूजन्स, नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप वेर यू ट्राई टू कम्युनिकेट इट विथ योर टीम. ठीक है, सो अभी हम लोग ये काम करेंगे, हम लोग जल्दी से ये पांचों स्टेप्स को एक बार अच्छे से एनालाइज अब बेसिकली समझ लेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस. द स्टेप वन, स्टेप वन में देर आर टू सिनारियोज. द फर्स्ट सिनारियो इज दैट डेटा तुमको मिल गया, तुम्हारे मैनेजर ने तुमको दे दिया, या कोई भी डेटा सोर्स से तुमने डेटा उठा लिया, और डेटा के साथ साथ तुमको क्वेश्चंस भी बता दिए गए. लाइक द मैनेजर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल के दो, राइट. एंड द सेकेंड सिनेरियो वुड बी जहाँ पे तुमको डेटा मिलेगा बट साथ में कोई प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. एक बहुत ही ओपन एंडेड सा एक प्रॉब्लम दे दिया जाएगा कि ये रहा हमारी कंपनी का डेटा, इसको एनालाइज करके बताओ कि नेक्स्ट ईयर हम प्रॉफिट में कैसे आ सकते हैं, राइट. सो ऑब्वियसली सेकेंड वाला स्टेप और सेकेंड वाला सिनेरियो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे यू हैव टू थिंक, यू हैव टू आस्क द करेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, सो टाइटेनिक वाली डेटा सेट पर हम लोगों ने काम किया था, स्क्रीन पे वही डेटा सेट है. सो अगर तुम्हारे सामने ये डेटा सेट होगा तो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स. सो वन क्वेश्चन कुड बी व्हाट फीचर्स और कॉलम्स विल कंट्रीब्यूट टू माय एनालिसिस, व्हाट फीचर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर माय एनालिसिस, व्हिच ऑफ द फीचर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विथ माय टारगेट वेरिएबल, डू आई रिक्वायर डेटा प्री प्रोसेसिंग, एंड इफ आई रिक्वायर डेटा प्री प्रोसेसिंग देन व्हाट काइंड ऑफ फीचर मैनिपुलेशन और इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड. अगेन कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है एग्जैक्टली जो तुम फॉलो करोगे. इट्स वेरी वेरी इट्स सॉर्ट ऑफ दिस आर्ट वेयर यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. ठीक है, सो इफ यू आर थिंकिंग कि हाउ कैन आई आस्क बेटर क्वेश्चंस, सो द फर्स्ट आंसर इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज. सिंपल सा बात है, अगर तुम बैंकिंग डोमेन के डेटा के ऊपर काम कर रहे हो और अगर तुमको बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है तो ऑब्वियसली यू वुड बी एबल टू आस्क बेटर क्वेश्चंस. इफ यू आर वर्किंग ऑन आईपीएल वाला डेटा तो तुमको क्रिकेट का नॉलेज चाहिए. सो ऑब्वियसली एसएमई इज इम्पॉर्टेंट. जितना ज़्यादा नॉलेज डोमेन के बारे में उतना इफेक्टिव क्वेश्चंस तुम यू कैन आस्क. द सेकेंड इज एक्सपीरियंस. जितनी ज़्यादा बार ये काम करते जा रहे हो, लाइक 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स तुमने ये काम किया, ऑब्वियसली योर ब्रेन विल फाइंड पैटर्न्स. तुम कोरिलेट कर पाओगे कि वहाँ पे मैंने ऐसे किया था, यहाँ पे सही क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस विल ऑल्सो हेल्प यू. ठीक है, सो दैट वॉज स्टेप वन, आस्किंग क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप टू, डेटा रैंगलिंग और डेटा मंजिंग. एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं. सो डेटा रैंगलिंग also sometimes referred to as data munging is the process of transforming and mapping data from one raw data form into another format with the intent of making it more appropriate and valuable for a variety of downstream purposes such as analytics. so it may seem like a very complex definition but ekdam simplified terms mein bola jaye to agar tumhara data tumhare analysis ke liye sahi nahi hai तो बस उसको क्लीन करने के प्रोसेस को हम डेटा रैंगलिंग या डेटा मंजिंग बोलते हैं. अब इस पर्टिकुलर स्टेप में भी देर आर थ्री मोर स्टेप्स. सो द फर्स्ट स्टेप इज गैदरिंग योर डेटा. सो डेटा सोर्स से डेटा को उठा के लाना. द सेकेंड इज एसेसिंग योर डेटा. सो पहली बार एक हाई लेवल ओवरव्यू लेना अपने डेटा के बारे में, दैट इज एसेसिंग योर डेटा. एंड द थर्ड वन इज क्लीनिंग योर डेटा. फाइनली द मेन स्टेप जहाँ पे तुम डेटा को क्लीन कर रहे हो. एक बार तीनों स्टेप्स को जल्दी से देखते हैं. फर्स्ट वन इज गैदरिंग डेटा. सो अप अंटिल नाउ यू हैव रियलाइज, यू मस्ट हैव रियलाइज कि मैं हमेशा तुमको डेटा उठा के दे दे रहा था, हमेशा तुमको एक सी एस वी फाइल मिल जा रही थी. बट हमेशा ऐसा नहीं होगा. सी एस वी फाइल मिल गई, बहुत बढ़िया, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुमको किसी ए पी आई से डेटा उठाना पड़े. लेट्स से आई डोंट नो, तुम आई आर सी टी सी के वेबसाइट के लिए कुछ एनालिटिक्स इंजन बना रहे हो, तो वहाँ पे तुमको डेटा ऑब्वियसली तुम्हारे खुद के सोर्स से नहीं मिलेगा. हो सकता है तुमको किसी एपीआई से डेटा फेच करना पड़े. और यू कैन डू वेब स्क्रैपिंग. सो जैसे ट्रिवैगो जैसी वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा स्क्रैप करके अपने वेबसाइट पे लाती हैं, सिमिलरली तुमको भी करना पड़ सकता है या तुम्हारे लिए कोई डेटा इंजीनियर करके दे देगा.
और हो सकता है कि डायरेक्टली तुम डेटाबेस से डेटा उठाओ और सीक्वल कमांड्स या क्वेरीज यूज करके उसके ऊपर अपना आगे का काम करो। गैदरिंग डेटा, इस पॉइंट तक हमने सिर्फ सीएसवी फाइल्स यूज की थी, बट यू मे फाइंड न्यू सिनेरियोस जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप, एसेसिंग डेटा। दिस इज वेरी सिंपल, हमने बहुत बार किया है। सो जैसे ही तुमको पहली बार डेटा मिलता है, तुम बेसिक क्वेश्चंस पूछने लगते हो, जैसे कि शेप क्या है डेटा का, या कौन कौन से डिफरेंट कॉलम्स हैं मेरे पास, क्या किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, क्या किसी कॉलम में डेटा डुप्लीकेटेड है, कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है मेरा डेटा सेट। और यू कैन ऑल्सो हैव सम हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द डेटा, मैथमेटिकल ओवरव्यू लाइक यूजिंग डिस्क्राइब फंक्शन एंड ऑल। सो बेसिकली डेटा तुमको मिला और जो पहला इंफॉर्मेशन तुम गैदर कर रहे हो, दैट इज दिस एसेसिंग डेटा वाला स्टेप। ठीक है, द थर्ड वन इज क्लीनिंग डेटा। मेजरली तीन ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि तुम्हारे पास डेटा मिसिंग है कुछ कॉलम्स में, अब तुमको सोचना है कि उस डेटा को रखना है या हटाना है। अगर रखना है तो मीन से रिप्लेस करना है, या मीडियन से, या मोड से, या फिर कुछ और टेक्निक लगाओगे। सिमिलरली यू ऑल्सो सी कि क्या डेटा डुप्लीकेटेड है। अगर डेटा डुप्लीकेटेड है तो तुमको कैसे हटाना है, फर्स्ट वाले को रखना है, लास्ट वाले को रखना है। सो अगेन हमने किया है ये वाला चीज़। द थर्ड वन इज इनकरेक्ट डेटा टाइप। सो अगर लेट्स से तुम्हारे पास कैटेगरीज हैं, उसको तुम इंटीजर या फ्लोट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको क्विकली तुम कन्वर्ट कर दोगे कैटेगरी में, सो दैट तुम्हारा एनालिसिस ईजी हो जाए। तुम्हारे पास अगर कोई कॉलम है जो डेट टाइम वाला कॉलम है, बट उसका डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, तो अगेन यू विल कन्वर्ट इट इंटू डेट टाइम, सो दैट तुम उसका वो वाला फीचर पूरी तरीके से यूज़ कर पाओ। सो अगेन बेसिकली क्लीनिंग डेटा में यही मेजर स्टेप्स तुम करते हो। ठीक है, सो आई होप हम लोग स्टेप टू समझ पाए, विच वॉज डेटा रैंगलिंग। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, विच इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस एंटायर फ्लो। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बहुत सिंपल है, हमने कई बार किया है। इसमें मेजरली तुम दो ही काम करते हो। पहला, यू एक्सप्लोर योर डेटा। सेकेंड, यू ऑग्यूमेंट योर डेटा। सो ऑग्यूमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि तुम अपने हिसाब से डेटा में चेंजेस करते हो, सो दैट तुम बेटर कंक्लूड कर पाओ या ज़्यादा इजीली काम कर पाओ। ठीक है, एक बार दोनों को जल्दी से समझते हैं। एक्सप्लोरिंग इज वेरी सिंपल, तुम कोरिलेशंस निकालते हो या कोवेरियंस फाइंड करते हो दो कॉलम्स के बीच में, या यू ट्राई टू डू यूनिवेरिएट एनालिसिस, तुम एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वैल्यू काउंट लगा रहे हो, या फिर तुम उसके ऊपर हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हो, या कभी कभी तुम बाईवेरिएट एनालिसिस करते हो, दो कॉलम्स को उठाते हो, लाइक एक फीचर एक टारगेट को, और उसके ऊपर तुम आई डोंट नो स्कैटर प्लॉट मारते हो टू सी इफ देर इज अ लीनियर रिलेशन और नॉट, प्लॉटिंग ग्राफ यूजिंग सी बॉर्न मैट प्लॉटलिब, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर ही आता है, दैट इज एक्सप्लोरिंग डेटा। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज ऑग्यूमेंटिंग डेटा। सो ऑग्यूमेंटिंग डेटा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक चीज़ हो सकता है रिमूविंग आउटलायर्स। सो इफ यू रिमेंबर बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट में दिस पर्टिकुलर डॉट यहाँ पे भी अगर होगा तो दिस रिप्रेजेंट्स एन आउटलायर। सो अगेन आउटलायर अगर तुम्हारे डेटा में है तो तुम्हारा एनालिसिस को ख़राब कर सकता है। अगेन इट डिपेंड्स, बट जनरली अगर आउटलायर्स हैं तो हम उसको हटाने का ट्राई करते हैं, वो इस ऑग्यूमेंटेशन वाले स्टेप में आएगा। सिमिलरली कभी कभी क्या होगा कि तुमको एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से अपना सारा का सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन दो या तीन अलग डेटा फ्रेम्स में, तो तुम वहाँ पे अपने डेटा फ्रेम्स को मर्ज कर रहे हो। या फिर एक और सिनेरियो हो सकता है कि तुम कोई एक नया कॉलम, कंप्लीटली नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो, जैसा हमने आई गेस किया भी था इन द बॉलीवुड वाला डेटा सेट, जहाँ पे हमने 6 से ज़्यादा रेटिंग वाली मूवीज़ को एक नया कॉलम में हिट का वैल्यू दिया था, और 6 से कम वाले वैल्यू को हमने फ्लॉप का रेटिंग दिया था। सो अगेन मैंने वहाँ पे एक कम्प्लीटली नया चीज़ अपने डेटा में ऐड किया। सो जब भी तुम डेटा को ऑग्यूमेंट कर रहे हो अपने हिसाब से, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, सो फीचर इंजीनियरिंग कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स, तुम अपने हिसाब से डेटा में चेंजेस कर रहे हो सो दैट तुम्हारा आगे का प्रोसेस ईजी हो। सो दैट वॉज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेप, विच इज ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। सो नाउ दैट यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ योर डेटा, अब तुम इस पोजिशन में हो कि तुम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो, या एट टाइम्स तुम प्रिडिक्शंस कर सकते हो। ठीक है, अगर डेटा साइंस की बात करा जाए तो वहाँ पे यू कंक्लूड और रादर प्रिडिक्ट यूजिंग टू टेक्निक्स। फर्स्ट इज ऑब्वियसली मशीन लर्निंग, जब भी तुमको प्रिडिक्शन करना है तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करते हो, और कभी कभी तुम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी यूज करते हो। अगेन स्टैटिस्टिक्स हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है,
बट इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मीन्स कि तुम एक छोटे से सैंपल का डेटा उठा करके पूरे के पूरे पॉपुलेशन के लिए कुछ प्रिडिक्ट करने का ट्राई करते हो। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अगर तुम डेटा साइंस का बात करो तो ड्रॉइंग कंक्लूजन वाले स्टेप में वी टेंड टू यूज मशीन लर्निंग और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिस्ट तो उसके डोमेन में वी यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हम कल से स्टार्ट करेंगे, सो विल अंडरस्टैंड दैट, बट विल यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। ठीक है, सम एग्जाम्पल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वुड बी कि इज रोहित शर्मा अ बेटर बैट्समैन इन सेकेंड इनिंग्स। सी अगेन, तुम्हारे पास डेटा है, तुमने उसके ऊपर एक एनालिसिस लगाया और तुमको सामने से निकल करके आ गया एक पाई चार्ट कि रोहित शर्मा ने फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन मारे थे और सेकेंड इनिंग्स में कितने रन मारे थे, और तुम सामने सामने प्रूव करके दिखा सकते हो कि येस इज अ बेटर बैट्समैन इन सेकेंड इनिंग्स और नॉट। ठीक है, सिमिलरली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, डज बीइंग अ फीमेल इंक्रीजेज योर चांस ऑफ सर्वाइवल। अगेन सिंस तुम्हारे सामने डेटा है, तुम ग्राफ प्लॉट करोगे और तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। इज दिल्ली द मोस्ट कॉस्टली प्लेस फॉर ईटिंग आउट फ्रॉम द जोमैटो डेटा सेट। अगेन ये सारा डेटा तुम्हारे सामने है और तुमको सिर्फ उसको निकाल करके प्लॉट करके अपना आंसर फेच करना है। सो दिस इज नॉट मशीन लर्निंग, दिस इज नॉट इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगेन हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कल से थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, बट आई होप अभी थोड़ा क्लियर हो गया होगा। सो द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स, और कुछ लोग इसको डेटा स्टोरी टेलिंग भी बोलते हैं। सो नाउ दैट तुमने पूरा मेहनत कर लिया, तुमने कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर लिए, अब ये स्टेप में तुम क्या करते हो, तुम अपनी टीम में जा करके अपने एनालिसिस को दिखाते हो या बताते हो टीम में। लाइक इट कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट या तुम्हारा कलीग हो सकता है डेटा एनालिस्ट, या हो सकता है तुम्हारा कोई सीनियर हो सकता है, तुम डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं अपना रिजल्ट दिखाने का। तुम इधर पर्सन टू पर्सन लाइक फेस टू फेस जाकर के अपने रिजल्ट्स को बता सकते हो, तुम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, पीपीटीज में प्रेजेंटेशन दे सकते हो, या फिर मे बी कोई ब्लॉग पोस्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यहाँ पे तुमको एक दो चीज़ें बहुत लगती हैं। फर्स्ट यू यूज़ डिफरेंट डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। तुम ग्राफ्स प्लॉट करते हो, ग्राफ्स के थ्रू तुम अपनी कहानी को बोलते हो लोगों के सामने। एंड इस स्टेप में वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी वेरी अफर्मेटिव, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द एनालिसिस दैट यू हैव डन, और उसको लोगों के सामने लाना होता है सही से। सो ये भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। व्हाट वील डू इज विल ट्राई टू डू अ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ अमंग अस। सो दैट वॉज फाइव, द फिफ्थ स्टेप। ठीक है, डेटा स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। द फन पार्ट इज कि दिस प्रोसेस, लाइक ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस मैंने अभी डिस्कस किया, ये प्रोसेस लीनियर नहीं है, विच मीन्स कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इट्स नॉट नेसेसरी। सो आप कभी भी किसी भी स्टेप से किसी भी स्टेप में जंप कर सकते हो। लेट्स से तुमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया, तुमको सडनली से कुछ नया बात पता चला, उससे तुम पलट कर गए, तुमने अपने क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया, या फिर तुम अपना रिजल्ट कम्युनिकेट करने गए और वहाँ पे सामने से एक ऐसा डाउट आया जिसकी वजह से तुमको फिर से पूरा एनालिसिस करना पड़ गया। सो ये जो पूरा चीज़ है, इट्स बेस्ड ऑन दिस ट्रायल एंड एरर वाला टेक्निक, जहाँ पे यू जस्ट डू दीज स्टेप्स इन अ वेरी नॉन लीनियर मैनर एज वेल। ठीक है, सो गाइज नाउ दैट आपने देख लिया कि डेटा एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है और उस पर क्या 5 स्टेप्स होते हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम शुरू से। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ कैन यू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, एंड द फर्स्ट फाइल फॉर्मेट दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज रीड इज CSV फाइल्स। ठीक है, सो CSV फाइल्स आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगी डेटा साइंस मशीन लर्निंग में, बिकॉज मोस्टली जो डेटा आपको मिलता है वो CSV फाइल फॉर्मेट में होता है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बहुत डिटेल में कि हाउ कैन यू इम्पोर्ट देम यूजिंग रीड CSV फंक्शन। ऑनेस्टली ये हम ऑलरेडी बहुत दिनों से कर रहे हैं, बट अब मैं आपको बहुत डेप्थ में और अच्छे से समझाऊंगा कि रीड CSV के अंदर और क्या क्या पैरामीटर्स और सेटिंग्स होती हैं। एक बार अगर आप ये पूरी चीज समझ लोगे ना, तो गोइंग फॉरवर्ड आपको रीड CSV में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और एक बार रीड CSV हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद विल कवर अदर फॉर्मेट्स एज वेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव अ नोटबुक ओवर हेयर,
और ये मेरा सेटअप है गाइस, ये मैंने एक नोटबुक बना रखा है वर्किंग विद सीएसवी, ये मेरा एक जुपिटर नोटबुक है और यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स पहले से अपलोड कर रखी हैं। ये अलग अलग सीएसवी फाइल्स हैं एक्सेप्ट दिस वन, ये टीएसवी फाइल है, मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। सो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सीएसवी होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सीएसवी कैसा होता है। सो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना गाइस, दिस इज सीएसवी फाइल फॉर्मेट, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसवी का फुल फॉर्म इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो हर रो जो है, एवरी रो इज इन वन लाइन, और दो वैल्यूज के बीच में जो सेपरेशन है वो एक्चुअली कॉमा से, ठीक है? तो ये एक बहुत फेमस फाइल फॉर्मेट है जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस में बहुत यूज होता है, और इसी के ऊपर हम लोग सबसे पहले काम करना सीखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक टीएसवी बोल के भी है, टीएसवी का मतलब होता है टैब सेपरेटेड वैल्यूज, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बस बीच में टैब्स लगे हुए हैं, दो वैल्यूज के बीच में टैब लगे हुए हैं। तो टीएसवी उतना फेमस नहीं है, बट कभी कभी ऐसा डेटा सेट मिल जाता है, तो वो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? सो दिस इज माई नोटबुक, यहाँ पे मैंने लाइन से टॉपिक्स बना रखे हैं। सी हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो इस फंक्शन पे फोकस करेंगे। अगर आपने पैंडास की वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो वहां पे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता रहा हूँ रीड अंडरस्कोर सीएसवी फाइल, ये फंक्शन के बारे में। कभी भी अगर आपको सीएसवी फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है तो दिस इज द फंक्शन दैट यू विल यूज। अब ऑनेस्टली मैं आपको सिर्फ एक सिंगल फंक्शन रन करके भी दिखा सकता था, बट मैंने बहुत लंबा चौड़ा नोटबुक बनाया। उसका रीजन ये है कि आपका जो रीड अंडरस्कोर सीएसवी जो फंक्शन है ना, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और ये बहुत सारे तरीकों से आपको हेल्प कर सकता है। बट बिगिनर्स जनरली क्या करते हैं, या जनरली आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे उसमें क्या रहता है कि एक दो ही चीजें समझा के छोड़ दिया जाता है। बट व्हाट आई वांट कि ये वीडियो आपके लिए रेफरेंस का काम करे, कि कभी भी फ्यूचर में आप किसी भी तरीके से फंस रहे हो किसी भी सीएसवी फाइल में, तो आप पलट के इस वीडियो को रेफर कर सको। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, अराउंड 15-16 पैरामीटर्स में डिस्कस करूंगा। सो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, बट अगर आप देखोगे तो फिर फ्यूचर में आपको कभी भी सीएसवी फाइल्स के साथ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? लेट मी फर्स्ट शो यू कि अगर आप रीड सीएसवी का डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, रीड सीएसवी पैंडास का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, तो आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और यहां पर अगर आप नोटिस करो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इन लोगों ने बहुत तरीके के केसेस को हैंडल करने के लिए कोड लिख रखा है, और अगर आप इन पैरामीटर्स को थोड़ा ढंग से स्टडी कर लो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सीएसवी फाइल्स के साथ, ठीक है? तो मैं सारे के सारे कवर नहीं कर रहा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट सब कुछ कवर करने का जरूरत नहीं है, मुझे खुद इतनी कभी प्रॉब्लम आई नहीं। मैं आपको वो प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो मैंने कभी फेस की, ठीक है? तो आई विल कम बैक टू माई नोटबुक और यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, ओके? सो सबसे पहले सीएसवी फाइल, अगर आपका मतलब रीड अंडरस्कोर सीएसवी आपके सीएसवी फाइल को लोड कर सकता है अगर आपके मशीन पर सीएसवी फाइल है, या फिर उसका यूआरएल भी आपके पास है तो भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? सो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपके मशीन पर ये फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है ऑगस्ट अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सीएसवी, तो इसको लोड करना बहुत सिंपल है, सिंस ये वाली फाइल और ये वाली फाइल दोनों सेम ही फोल्डर्स में है, तो मुझे बस डायरेक्टली फाइल का नाम लिख देना है, अदरवाइज मैं रिलेटिव पाथ दे देता कि किसी फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल, ठीक है? वो आपको शायद पता होगा, आपको बस ये कोड लिखना है पीडी डॉट रीड सी एस बी फाइल का पाथ, और फिर आपको बस डीएफ को प्रिंट कर देना है, और ये देखो गाइस आपका लोड हो गया फाइल, ये आपके मशीन से लोड हुआ लोकली, ठीक है? अब अगर आप चाहो, लेट्स से मेरे पास इस यूआरएल पे ये सीएसवी फाइल है, ठीक है? ये एक्चुअली गिटहब के ऊपर है और किसी ने डाल रखा है ये, कोई गिटहब यूजर ने, और मुझे ये यूआरएल मिल गया, मुझे ये पर्टिकुलर सीएसवी फाइल ओपन करना है अपने पाइथन कोड में अपने मशीन पे। अब ऑब्वियसली ये सर्वर पे है गिटहब के, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ये कोड स्निपेट है, टू बी ऑनेस्ट आपको खुद से कुछ कोड लिखने का जरूरत नहीं है। मैं इस नोटबुक का गिटहब लिंक आपको दे दूंगा, ये आप अपने किसी फोल्डर में रख सकते हो, फ्यूचर में कभी भी अगर आपको सर्वर से कोई सीएसवी फाइल का डेटा लोड करना हो, आप ये कोड स्निपेट कॉपी पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट बोल के एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट करने से आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर यूआरएल से फाइल को, फाइल का सारा कंटेंट फेच कर सकते हो लाइक दिस, और ये रिक्वेस्ट में आके वो स्टोर हो जाता है पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है?
अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से सारे के सारे कंटेंट में से सिर्फ टेक्स्ट को फेच कर रहे हो, तो ये सारा टेक्स्ट आ जाता है और फिर आप उसको रीड कर ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पर इस चीज पे अगर आप थोड़ा फोकस करो तो ये बेसिकली हेडर्स पास किए आपने। जब भी आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल के साथ काम करते हो तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप एक क्लाइंट की तरह काम कर रहे हो, एज इफ आप, आपका ये प्रोग्राम इज अ यूजर जो उस यूआरएल पे हिट करके कंटेंट मंगा रहा है। तो यहाँ से आप बस बता रहे हो कि इस इन हेडर्स के साथ रिक्वेस्ट गया। ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको बस ये कोड स्निपेट से मतलब है, और आपको इस यूआरएल को बस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस वेरिएबल के अंदर, दैट्स इट। फ्यूचर में कभी भी आपको इस कोड को यूज करना है, आपको बस यूआरएल में पेस्ट कर देना है, और इतने कोड को आप जैसे ही रन करोगे, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप सर्वर से लोड कर रहे हो, और ऑल्सो डिपेंड्स कि कितना बड़ा डेटा है। तो यू कैन सी ये मेरा डेटा सेट है, 194 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो मैं बस अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आप सीएसवी फाइल्स को आप अपने लोकल मशीन से भी लोड कर सकते हो, और आप चाहो तो सर्वर से भी लोड कर सकते हो, दोनों का कोड आपके सामने है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर एक स्टेप पैरामीटर होता है। ठीक है, स्टेप पैरामीटर आपके इस फंक्शन में होता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये जो डेटा है, मूवी टाइटल्स मेटा डेटा डॉट टीएसवी, अब ये टैब सेपरेटेड वैल्यू है। ठीक है, अब डिफॉल्ट जो होता है, अगर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप शिफ्ट टैब प्रेस करो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेप जो है इसका डिफॉल्ट वैल्यू इज कॉमा, इसीलिए रीड अंडरस्कोर सीएसवी बाय डिफॉल्ट सीएसवी फाइल्स को लोड करता है। अब ये कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली अगर आप टीएसवी टाइप की फाइल्स के साथ डील कर रहे हो, जहां पे जो वैल्यूज हैं वो कॉमा से सेपरेटेड नहीं है। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये कोड रन करता हूँ, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, अगर मैं ये कोड को रन करता हूँ, देखो क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि कॉमा उसको मिला नहीं, और इसलिए सब कुछ एक ही सिंगल लाइन में आ गया। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में आपको क्या करना होता है, आपको बस यहाँ पे सेप वाले पैरामीटर का वैल्यू को ओवरराइड करना होता है टू स्लैश टी, स्लैश टी का मतलब टैब। सो आप बोल रहे हो कि रादर देन फाइंडिंग कॉमास, फाइंड टैब्स, और उसके बेसिस पे कॉलम्स क्रिएट करो। ठीक है, और अब आप इस कोड को जैसे ही रन करते हो, ये रहा गाइस आपका आउटपुट। ठीक है, ये रहा आपका आउटपुट। अब यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करोगे तो एक चीज गड़बड़ हुई है, कि आपका जो कॉलम है, कॉलम का नाम आपके पास नहीं है, कॉलम का नाम आपके पास नहीं है, आपके पास इंस्टेड जो फर्स्ट रो था वो कॉलम बन गया। ठीक है, ये कभी कभी होता है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, सी आप क्या करोगे कि यहाँ पे अगर आप देखो, हमारे पास इस फंक्शन के पैरामीटर्स लिस्ट में एक और पैरामीटर है बाय द नेम ऑफ नेम्स। यहाँ पे अगर आपके पास कॉलम का नाम नहीं है तो आप खुद से एक लिस्ट पास कर सकते हो कॉलम्स के नाम के साथ, और वो ऑटोमेटिकली फिर चीजें हैंडल कर लेगा। जैसे बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप नेम्स बोल के एक पैरामीटर पास करोगे, एक एक लिस्ट पास करोगे, जहाँ पे आप इन सारे कॉलम्स का नाम दे दोगे। ठीक है, अब नाम आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर आप डेटा देख के समझ पा रहे हो तो आप लिख लोगे। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर लग रहा है, दूसरा मुझे लग रहा है मूवी का नाम, तीसरा मुझे लग रहा है रिलीज ईयर, रिलीज अंडरस्कोर ईयर, चौथा मुझे लग रहा है रेटिंग, और फिर आई गेस नंबर ऑफ वोट सही है शायद, और लास्ट में है जॉनर्स, राइट। और जैसे मैं ये कोड रन करूंगा, यू कैन सी अब वो जो पहला रो हेडर बन गया था वो वापस नॉर्मल हो गया, और आपके सारे कॉलम नेम्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो फ्यूचर में कभी अगर आप ऐसे फंस रहे हो कि आपके पास जो डेटा है उसमें कॉलम नेम्स डिफाइंड नहीं, और आपका फर्स्ट रो कॉलम बन गया है, कॉलम नेम बन गया है, तो आप ये वाला कोड स्निपेट यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स कॉल पैरामीटर। सो लेट मी शो यू ये क्या करता है। सो यहाँ पर अगर आप ये डेटा देखो, ऑगस्ट अंडरस्कोर ट्रेन डॉट सीएसवी, जो भी ये डेटा है, मुझे पता नहीं है डेटा क्या है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर एक कॉलम है एनरोली आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स भी है और यहाँ पे ये ई आईडी भी है, दो दो इंडेक्स रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो कभी कभी आपका कोई ऐसा कॉलम हो जो आपके एनालिसिस में काम नहीं आने वाला, तो आप चाहो तो उसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, लाइक दिस। आपको बस यहाँ पर लिखना होता है इंडेक्स कॉलम और कॉलम का नाम, कॉपी पेस्ट। ठीक है,
और अब आप इसको रन करोगे, यू कैन सी आपका जो डिफॉल्ट पैंडास इंडेक्स था जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है वो रिप्लेस हो गया इससे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया एक पैरामीटर। नेक्स्ट इज हेडर पैरामीटर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने कभी कभी फेस किया है। सो ये मेरे पास एक टेस्ट डॉट सी एस वी फाइल है, इसको जब मैं रन कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि आपका फर्स्ट जो रो है वो एक्चुअली कॉलम का नाम है, बट सिंस जिसने भी ये सी एस वी जनरेट किया उसने उसके आगे लाइक कॉलम के नेम के आगे उस रो के आगे जीरो लगा दिया, तो अब पैंडा समझ नहीं पा रहा है कि ये एक नॉर्मल रो नहीं है, ये आपके कॉलम हेडर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये करना है कि इसको कॉलम के नेम में कन्वर्ट करना है और अपना डेटा फ्रेम को यहां से स्टार्ट करना है, तो आपको सिंपली यहां पे लिखना पड़ता है हेडर इक्वल्स जीरो, हेडर इक्वल्स टू जीरो आई गेस वन, वन लिखना पड़ता है। आपका जो फर्स्ट मतलब आपका जो फर्स्ट रो है वो वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको स्पेसिफाई करना है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज है ये आपका कॉलम का नाम बन जाता है। ठीक है, सो ये दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, एक जब आपके पास कॉलम नेम्स ही नहीं है और दूसरा जब आपके कॉलम नेम्स रोज की तरह ट्रीट हो रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में आप ये दो कोड स्निपेट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट इज यूज कॉल्स पैरामीटर। सो जैसे कि ये डेटा है मेरे पास, अब इसमें काफी सारे कॉलम्स हैं, राइट। अब होता क्या है मशीन लर्निंग में कि आपको जब डेटा सेट मिलता है तो नॉट नेसेसरीली यू विल यूज ऑल द कॉलम्स, ऐसा बहुत बार होता है। इनफैक्ट आपको शुरू से पता होता है कि मुझे कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए या फिर मुझे कुछ कॉलम्स ही चाहिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि डेटा को इम्पोर्ट करने के टाइम ही आप कॉलम्स का नाम बता सकते हो जो कॉलम्स आपको चाहिए हैं, बाकी सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। जैसा आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से मुझे चाहिए है एनरोली आईडी, जेंडर और एजुकेशन लेवल, मुझे सिर्फ ये तीन कॉलम्स चाहिए, ज्यादा भी ले सकते थे बट तीन का एग्जांपल ले रहे हैं। आपको बस क्या करना होगा यहाँ पे, यूज कॉल्स यूज करके यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर उन सारे कॉलम्स का नाम आपको बताना होगा जो आपको चाहिए, लाइक दिस जेंडर, और एजुकेशन लेवल। और अब आप जैसे इस कोड को रन करोगे, अब आपको पूरा डेटा फ्रेम ना मिल करके सिर्फ ये तीन कॉलम्स का डेटा फ्रेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो फिल्टर आउट करने के लिए। आपके पास आगे भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं पैंडास में, बट ये एक इजी तरीका है, शुरू में ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज आपको बतानी थी। नेक्स्ट इज स्क्वीज पैरामीटर। सो कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई एक ही कॉलम चाहिए होता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है, मतलब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एग्जांपल यूज करता हूँ तो मैंने सोचा पढ़ा देते हैं आपको। जैसे मुझे सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए और आप अगर स्क्वीज इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो अब ये पैंडास डेटा फ्रेम ना बन करके पैंडास सीरीज बन जाता है। बस यही इस चीज में होता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो सिर्फ एनरोली आईडी आया है, और अगर मैंने यहाँ पे जेंडर लिखा होता तो सिर्फ जेंडर आता, और ये पैंडास का सीरीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डेटा फ्रेम नहीं है ये, तो ये उतना काम नहीं आता ऑनेस्टली, बट सिंस हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट इज स्किप रोज एंड एंड रोज। ठीक है, स्किप रोज नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आप जो भी वैल्यूज दोगे वो पर्टिकुलर रोज आप स्किप कर लोगे, वो आप लेके नहीं आओगे अपने पाइथन कोड में। जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास डेटा है, लेट्स से मुझे ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला रोज नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ skip rows equal to 0, 1। ठीक है, अब आप नोटिस करना ये दोनों नहीं आने चाहिए और आउटपुट ये आना चाहिए। ठीक है, 1, 1, 5, 6, 1 थर्ड वाला आई गेस, मैंने ध्यान नहीं दिया, या देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप कंजेकेटिव नंबर्स दो, आप चाहो तो लेट्स से आपको 0 हटाना है और आपको 2 हटाना है तो आप ये भी लिख सकते हो skip rows equal to 0, 2। तो यू कैन सी 1, 1, 5, 6, 1 अभी भी आया बिकॉज वियर्ड है, नहीं आना चाहिए था। skip rows equals 0, 5। तो 0 हट गया,
और फिर 5 भी हट गया, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, आप लोग एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि आप इसको और भी अलग अलग ढंग से यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग यूज केस ये है कि आप यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो और उस फंक्शन के अंदर आप जो भी लॉजिक लिखोगे उस लॉजिक के हिसाब से आप रोज को स्किप कर सकते हो। जैसे कि एक लॉजिक हो सकता है कि मुझे सिर्फ 5 के मल्टीपल में जो रोज हैं वो हटाने हैं, या फिर मुझे सिर्फ ऑड वाले रोज रखने हैं, इवन वाले रोज हटाने हैं। तो इस तरह का लॉजिक आप चाहो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और ये आप खुद से ट्राई करो, इतना तो आपको करना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया स्किप रोज। नेक्स्ट होता है एन रोज। सो एन रोज क्या करता है कि एन रोज में आप जितना भी वैल्यू दोगे आप उतने ही रोज इंपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं एन रोज यहाँ पे 100 कर दूं, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो देर आर 19,000 रोज, बट जैसे ही मैं एन रोज 100 करूंगा अब सिर्फ 100 रोज ही आएंगे। तो ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है उस नंबर को जितने रोज आप इंपोर्ट कर रहे हो। इसका फायदा कब होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो जिसमें 10 लाख 1 करोड़ टाइप के रोज हैं, और उतना आप एक साथ मेमोरी में लोड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका रैम कम है, तो उस तरह के सिनेरियोज में आप इंटेलिजेंटली एन रोज को यूज करके अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों भी काम के हैं, कभी कभी मतलब काम आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एनकोडिंग पैरामीटर। ये एक चीज है जिसने मुझे काफी परेशान किया था जब मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट किया था। कैगल पे आपको कुछ डेटा सेट्स मिलेंगे जिनका एनकोडिंग इज नॉट UTF-8, मतलब एक डिफॉल्ट एनकोडिंग होता है। क्या किया मैंने, या यहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक एनकोडिंग बोल के पैरामीटर होता है जो कि फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। एनीवेज वो UTF-8 होता है, सबसे नॉर्मल वाला जनरली। और आपके बहुत सारे जो डेटा सेट्स हैं वो नॉर्मली चल जाएंगे क्योंकि वो UTF-8 इनकोडेड होते हैं। बट फिर आपको कभी कभी कुछ ऐसे डेटा सेट्स मिलेंगे जहां पर वो डिफरेंटली एनकोडेड होंगे एक अलग कैरेक्टर सेट्स के साथ। ठीक है, जैसे इमोजीज का डेटा सेट है तो वो एक अलग एनकोडिंग है, या फिर आप कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का डेटा सेट इंपोर्ट कर रहे हो जैसे कि हिंदी एंड ऑल, तो हो सकता है कि वहां पे कैरेक्टर इनकोडिंग कुछ और हो, UTF-8 को छोड़ के कुछ और हो। इन दैट केस क्या होगा कि अगर आप जैसे ये एक डेटा सेट है zomato.csv, ये बहुत फेमस डेटा सेट है जिसपे मैंने काम किया है, और जैसे आप इसको पहली बार लोड करोगे ना आपको ये एरर दिखाई देगा। ये एरर आपको जैसे ही दिखाई दे आपको समझ जाना है कि आपका जो एनकोडिंग है वो UTF-8 नहीं है उस डेटा सेट का। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सबलाइन टेक्स्ट जैसे किसी एडिटर में जा करके उसका एनकोडिंग चेंज कर दो, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप पता करो कि उसका एनकोडिंग क्या है और एनकोडिंग पैरामीटर में वही वैल्यू पास कर दो। जहाँ जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है वो है Latin-1, ये एक एनकोडिंग वो है फॉर्मेट है, और अब आप इसको जैसे ही रन कर रहे हो तो ये रन होने लग जा रहा है। तो अगर आपको ये मिल जाए तब तो बढ़िया है, अगर ये ना मिले तो किसी कोड एडिटर में जा करके आप इसका एनकोडिंग चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब अगर होना होगा तो हो जाएगा। अब कुछ अगर आपने ऐसे कैरेक्टर्स यूज कर रखे हैं वहां पे जो UTF-8 में एनकोड नहीं हो पा रहे तो वो स्किप हो जाएंगे, या वो काइंड ऑफ ब्लैंक की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, सो एनीवेज ये चीज आपको एक दिखानी थी क्योंकि इससे मैं काफी परेशान हुआ था जब मैंने ये सब शुरू किया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज स्किप बैड लाइंस। सो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे डेटा सेट्स आएंगे जिनमें बीच बीच में कुछ रोज में गड़बड़ होगा। गड़बड़ होने का मतलब क्या है कि आपके पूरे CSV फाइल में 5 कॉलम्स हैं, मतलब हर रो में 5 वैल्यूज है, बट फिर बीच में कुछ कुछ रोज में 6 वैल्यूज है, 9 वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है, तो वो रीड नहीं कर पाता है पैंडास। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक डेटा सेट देखो, ये मैंने एक डेटा सेट डाउनलोड किया था वाइल बिल्डिंग अ बुक रिकमेंडर सिस्टम, ये बुक्स का डेटा सेट है। अब यहाँ पे सेपरेटर जो है CSV होना, मतलब नॉर्मली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर वो सेमी कोलन है बिकॉज ये जिसने भी बनाया वो थोड़ा अलग ढंग से बनाया, और यहाँ पे एनकोडिंग इज Latin-1। बट आप इसको जैसे ही रन करोगे ना तो पार्सर एरर आएगा, और आप अगर एरर को रीड करोगे तो वहां पे बोलेगा एक्सपेक्टेड 8 फील्ड्स इन लाइन 6452 सॉ 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा डेटा ला रहा था मेमोरी में, तभी रो नंबर 6452 में उसको क्या समझ में आया कि 8 कॉलम्स के बदले 9 वैल्यूज है, तो रो गया आपका कोड। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर एक पैरामीटर होता है एरर बैड लाइंस, इसको फॉल्स करना होता है, तो वो स्किप हो जाती है वो लाइंस, जिन भी लाइंस में गड़बड़ होगा वो स्किप हो जाएंगी,
और आपका आउटपुट देखो, ये सारी लाइंस में गड़बड़ था, ये स्किप हो रहा है, इस लाइन में भी गड़बड़ था, इस लाइन में भी गड़बड़ था, इतनी लाइंस में गड़बड़ था, ये लाइन स्किप हो गई और बाकी का आपका डेटा लोड हो गया। ठीक है, तो अगर कभी आपको पार्सर एरर दिखाई दे तो देर इज अ ग्रेट चांस कि आप इस तरह का कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, इन दैट केस आपको एरर बैड लाइंस कर देना है और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस डी टाइप्स वाला पैरामीटर। सो डी टाइप्स का क्या सीन है कि डी टाइप्स नाम से समझ में आ रहा है, डेटा टाइप्स। सो होता क्या है कि जब आपका रीड सीएसवी फंक्शन एक सीएसवी फाइल को देखता है, उसके डेटा को देखता है, तो वो कॉलम वाइज एनालाइज कर लेता है कि उस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। सो ये सब कुछ डिफॉल्ट होता है, बट अगर आप चाहो तो इस बिहेवियर को ओवरराइड कर सकते हो और ये कभी कभी बहुत काम आता है। ठीक है, लेट मी शो यू कब। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक डेटा था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया, इसका नाम था, आई जस्ट ओपन इट, ऑगस्ट ट्रेन डॉट सी एस वी। अब यहां पर अगर आप नोटिस करो जो लास्ट कॉलम है उसका नाम है टारगेट, और टारगेट में जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली फ्लोट हैं, बट जो वैल्यूज हैं वो वन और जीरो ही हैं। बट मतलब आप इसको इजीली इंटीजर में रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट जिसने भी डेटा क्रिएट किया वहां पर इसको फ्लोट में रिप्रेजेंट किया गया, तो फालतू में फ्लोट यूज हो रहा है, ज्यादा मेमोरी लेगा, कोई पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि सच में ये फ्लोट है, आप इन्फो फंक्शन को कॉल कर सकते हो और ट्रेनिंग में ये देखो फ्लोट 64 दिखा रहा है। सो अगर आपको ये नहीं चाहिए और आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डी टाइप पैरामीटर को यूज कर सकते हो। यहां पर आपको एक डिक्शनरी के अंदर कॉलम का नाम देना होता है, कॉलम का नाम है टारगेट, हाँ टारगेट, और उसको कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, इंटीजर। ठीक है, अब इसको जैसे आप रन करोगे यू वुड सी जो आपका लास्ट वाला कॉलम है दैट इज नाउ एन इंटीजर। ठीक है, अगर मैं इसको इन्फो कर दूं तो यहां भी आपको दिख जाएगा कि इंट 32 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कभी कभी काम आता है, आप शुरू में ही एनालाइज करके देख सकते हो, अगर आप मेमोरी बचा सकते हो तो बचा लो। ठीक है, तो कभी कभी काम आता है। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होता क्या है कि जब भी आप रीड सीएसवी यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट जितने भी डेट कॉलम्स होते हैं ना उनको एज स्ट्रिंग पार्स किया जाता है, एज स्ट्रिंग पार्स किया जाता है। तो अगर वो स्ट्रिंग बन जाएगा डेट, तो आप उसको डेट वाली फंक्शनैलिटीज उसकी यूज नहीं कर पाओगे, मतलब आप ये फेच नहीं कर सकते कि कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा डे चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, आपको डेट टाइम फॉर्मेट में उसको रखना पड़ता है। तो ये करने के लिए आप क्या करते हो, लेट मी फर्स्ट शो यू, मेरे पास एक डेटा सेट है पीडी डॉट रीड सी एस वी, और आईपीएल का डेटा सेट है बेसिकली वो, और यहां पर अगर आप नोटिस करो ये डेट है, आईपीएल का हर मैच किस दिन हुआ ये इंफॉर्मेशन इस कॉलम में है। अब अगर मैं इन्फो करके दिखाऊं तो यू वुड सी जो डेट है वो ऑब्जेक्ट बन के आया। अब अगर आपने पैंडास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट का मतलब स्ट्रिंग होता है पैंडास में। तो अगर आपको इसको नॉर्मल डेट टाइम में पार्स करना है तो आपको यहाँ पर एक पार्स अंडरस्कोर डेट्स बोल के पैरामीटर मिलता है। यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर आप उन कॉलम्स का नाम डाल दो जिनको आपको एज डेट पार्स करना है। सो अब अगर मैं इसको रन करूं आपको आउटपुट में कुछ चेंज नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप इन्फो करोगे तो यू वुड सी ये डेट टाइम 64 है। ठीक है, और ये बहुत काम आता है। अब ये एकदम डेट की तरह ट्रीट होगा, आप डेट के ऊपर फिल्टर्स लगा सकते हो, इस डेट के बाद, इस डेट और इस डेट के बीच में, इस तरह के आप फिल्टर्स लगा सकते हो जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर ये स्ट्रिंग होता तो आप डेट वाला लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब एक चीज आप और ट्राई करना, यहाँ पे अगर आप पार्स डेट्स में जाओगे पैंडास वाले में डॉक्यूमेंटेशन में, तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि आप एक लिस्ट के अंदर आप कॉलम्स का नाम डाल सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है जो डेट्स हैं, तो आप ये फॉर्मेट में नाम पास करोगे या इंडेक्स ऑफ द कॉलम पास करोगे। बट अगर कभी कुछ ऐसा डेटा सेट है आपके पास जहां पे मंथ अलग है, डे अलग है और ईयर अलग है, तो अगर आप चाहो उनको मर्ज करके एक सिंगल कॉलम भी बना सकते हो। उसका सिंटेक्स ये है, आपको इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट पास करना है जिसमें कॉलम का नाम और इंडेक्स होगा, सारे कॉलम्स का नाम और इंडेक्स, और ये क्या करेगा, इट विल कंबाइन कॉलम्स 1 एंड 3 एंड पार्स एज अ सिंगल डेट कॉलम। ये बहुत काम की चीज है, कभी कभी कुछ डेटा सेट्स में ऐसा हो सकता है, तो ये मर्ज करने का बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, ये सेम चीज आप डिक्शनरी में भी कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, डिक्शनरी पास करना है। यहाँ पे लिस्ट के अंदर
वो सारे कॉलम्स जिनको जोड़ करके एक सिंगल डेट कॉलम बनाना है, और फिर उसको क्या बुलाना है, फू बुलाना है तो फू बुला लिया, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करके देखना, अगर आपको ऐसा कोई डेटा सेट मिले, मुझे मिला नहीं, मिलता तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है। सो ये हो गया हैंडलिंग डेट्स। सो गाइज नेक्स्ट इज कन्वर्टर्स, और कन्वर्टर्स एक्चुअली बहुत ही पावरफुल फीचर है रीड अंडरस्कोर सीएसवी का, एंड आई लेट यू नो व्हाई। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना चाहते हो अपने कुछ कॉलम्स के ऊपर, इवन बिफोर यू हैव लोडेड द डेटा सेट, ठीक है। जैसे कि आई गिव यू वन एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है आईपीएल का, दिस इज द डेटा सेट। अब यहाँ पे यू कैन सी कि टीम्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब लेट्स से मुझे ये पूरा नाम नहीं चाहिए, व्हाट आई वांट इज शॉर्ट नेम्स। जैसे आरसीबी के केस में, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के केस में आरसीबी, मुंबई इंडियंस के केस में एमआई, मुझे ये नाम चाहिए रादर देन ये वाले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ फंक्शन, लेट्स कॉल इट रीनेम, जिसको अगर आप एक नेम दोगे तो वो चेक करेगा इफ नेम इज इक्वल टू लेट्स से आरसीबी। कॉपी, तो अगर ये मिलेगा तो रिटर्न हो जाएगा आरसीबी, एल्स नेम एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। मान लो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। सो अगर आप देखो रीनेम में अगर मैं पास करूं आरसीबी, तो मुझे आरसीबी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट कन्वर्टर्स, यहाँ पे आई विल पास अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर मुझे उस कॉलम का नाम लिखना है जिसके ऊपर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, Team 1, और फिर मुझे फंक्शन का नाम बता देना है, दैट इज रीनेम। और बस इस कोड को मैं जैसे ही रन करूंगा, यू कैन सी Team 1 के अंदर जहां जहां पे आरसीबी है उन सभी जगह पे, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गया। और इस तरीके से आप कितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस कितने भी कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये भी एक चीज दिखानी थी। अब लास्ट बची दो चीजें, एक है एनए अंडरस्कोर वैल्यूज पैरामीटर। इसमें मेन फंडा क्या है, पहले मैं आपको एक बार डेटा सेट लोड करके दिखाता हूँ, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और यही डेटा सेट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप नोटिस करो ये एनएन वैल्यूज है, एनएन वैल्यूज का मतलब है मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। अब ये मिसिंग वैल्यूज अगर आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए फिर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, फिल एनए, ड्रॉप एनए, हटाने के लिए या फिल करने के लिए। प्रॉब्लम कब होता है कि कुछ कुछ डेटा सेट्स में आपको यहाँ पे एनएन के बदले एक हाइफन डला होगा, तो वो हाइफन ना एनएन रहा और ना उसकी कोई ढंग की वैल्यू है, तो उस तरह की वैल्यूज बहुत परेशान करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि शुरू में ही आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि किस तरह की चीजों को आप एनएन वैल्यूज मानना चाहते हो। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेल का मतलब है हाइफन, ये हमें नहीं चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट राइट एनए वैल्यूज, और एनए वैल्यूज में मैं क्या कर सकता हूँ, एक लिस्ट के अंदर पास कर सकता हूँ वो सारी वैल्यूज जिसको मेरा रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन एम्प्टी मानेगा, एनएन मानेगा, ठीक है। सो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, यू कैन सी जहां जहां पे भी मेल था वो सब एनएन हो गया, और जो एनएन था वो तो एनएन है ही, और क्या फीमेल था ही नहीं क्या, आई डोंट नो, फीमेल था ही नहीं शायद, हाँ यहाँ पे सभी जगह पे मेल ही दिखाई दे रहा था, तो वो भी आप वो एम्प्टी वैल्यू कंसिडर करने लग गए। तो ऑब्वियसली आप मेल है उसको ऐसा नहीं करोगे, अगर कहीं हाइफन है या परसेंटेजेस है कहीं भी, अगर प्लेस होल्डर्स है जिनको आपको डिटेक्ट करवाना है कि ये भी एम्प्टी है, वहां पे आप एनए अंडरस्कोर वैल्यूज का यूज करोगे, आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके और भी वैल्यूज पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये हो गई एक चीज, कभी कभी काम आ जाती है। अब है लास्ट वाली चीज जो मुझे बहुत पर्सनली इंटरेस्टिंग लगती है। सो कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम कर रहे होते हो, और एक साथ उसके ऊपर कोई ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करो तो होता नहीं है, क्योंकि मेमोरी में इतनी जगह ही नहीं है, मतलब रैम में इतनी जगह नहीं बची। तो यहाँ पे काम आता है चंक्स में डिवाइड करना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर से सेम डेटा सेट में यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस सेम डेटा सेट, और ये देखो अब यहाँ पे 19,000 रोज है। अब मान लो यहाँ पे 19 लाख रोज है एक एग्जाम्पल के लिए,
तो आप क्या कर सकते हो कि लोड करते टाइम इस डेटा सेट को चंक्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? आपको बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा चंक साइज और आपको नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई कर देने हैं जितने के आप चंक्स बनाना चाहते हो। तो लेट्स से मेरे पास 19,000 रोज हैं, मैं 5,000 के चंक्स बनाना चाहता हूँ। सो मेरा पहले चंक में 5,000 रोज होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5,000, उसके बाद नेक्स्ट 5,000, ठीक है। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ DFS, डेटा फ्रेम्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कुछ भी करना है अपने डेटा सेट्स के ऊपर, अपने डेटा फ्रेम्स के ऊपर, तो आप लूप के अंदर करोगे। आप ये कोड लिखते हो फॉर चंक इन DFS, प्रिंट हर चंक का साइज। अब यहाँ पे हर चंक जो है गाइस वो एक डेटा फ्रेम, ठीक है। और ये देखो साइज क्यों कर दिया मैंने, साइज नहीं करना था मुझे, मुझे लिखना था शेप। मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितने कितने रोज गए, लेकिन सी एकदम बराबर में डिवाइड हुआ, 4158, 4158, 4158, और सब में बराबर कॉलम्स है, ठीक है। अब अगर आपको सब में कुछ चीज अप्लाई करनी है, लेट्स से आप ग्रुप बाय ऑपरेशन करना चाहते हो या आप कुछ भी करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बस लूप के अंदर रख करके उस ऑपरेशन को चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर अपने पैंडास वाले प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। ये मेरे को कुछ 6-8 महीने पहले ही पता चला था कि इस तरीके से हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि 6-8 महीने पहले मुझे एक ऐसा डेटा सेट मिला जो बहुत बड़ा था और मेरा मशीन उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर वहां पर मुझे ये वाला फंक्शन बहुत काम आया था, ठीक है। तो ये भी बहुत काम का है, कभी अगर आप फंसे बहुत बड़े डेटा सेट के साथ, तो दिस इज हाउ यू विल हैंडल द प्रॉब्लम, ओके। सो विद दैट, यस, हमने कंप्लीट कर लिया ये वाली चीज। तो गाइज अभी आपने जस्ट डिटेल में देखा कि पैंडास का रीड CSV फंक्शन कैसे काम करता है, राइट? हमने रीड CSV बहुत डिटेल में पढ़ा, क्योंकि ऑनेस्टली आपकी डेटा साइंस जर्नी में शायद ज्यादातर जो डेटा सेट्स आप गैदर करके लाओगे वो CSV फॉर्मेट में होता है, तो आपको उसका अच्छा आइडिया होना चाहिए। बट अब हम कुछ और डेटा फॉर्मेट्स को इम्पोर्ट करना सीखेंगे, जैसे कि अब मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इफ आपके पास जो डेटा सेट है वो एक्सेल फॉर्मेट में है, राइट? हमने CSV देखा, उसी से सिमिलर होता है एक्सेल फॉर्मेट। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास ये डेटा सेट है, ये डेटा सेट मैंने खुद बनाया है। इस डेटा सेट का नाम है आउटपुट और इसमें IPL से रिलेटेड डेटा है, और यू कैन सी यहाँ पे दो शीट्स हैं। एक्सेल फाइल्स में शीट्स होती हैं, राइट? तो देर आर टू शीट्स, सो वन ऑफ देम इज शीट अंडरस्कोर नेम वन जिसमें ये डेटा है, एंड देन देर इज शीट अंडरस्कोर नेम टू जिसमें ये डेटा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इस तरह के एक एक्सेल फाइल को डेटा फ्रेम में इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा हमारा सेटअप, यहाँ पे हम कोड करेंगे, ये रही हमारी फाइल आउटपुट डॉट XLSX, ठीक है। तो ध्यान से देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यू विल हैव टू इम्पोर्ट योर पैंडास डेटा लाइब्रेरी, देन आपके पास PD के अंदर एक फंक्शन होता है रीड एक्सेल नाम से, यहाँ पे बस आपको अपनी फाइल का नाम बता देना है आउटपुट डॉट XLSX, ठीक है। और आप जैसे ही इस कोड को रन करोगे होगा क्या कि आपको ये डेटा दिखाई देगा, यू कैन सी ये वाला डेटा। सो हुआ क्या, ऑटोमेटिकली उसने ये देखा कि देर आर टू शीट्स, उसने शीट नंबर वन को इम्पोर्ट कर दिया। ऑल्सो यू कैन सी एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया ये इस जगह पे, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप बता सकते हो, जस्ट लाइक आपका PSV में आप बता सकते थे इंडेक्स कॉल इज अननेम्ड कोलोन जीरो, वो हट जाएगा और ये बन जाएगा आपका डेटा फ्रेम, ठीक है। तो इट्स दैट इजी, मतलब बहुत ही सिंपल है, जैसा आप अभी तक करते आ रहे हो रीड CSV में बिल्कुल वैसा ही फंक्शन होता है रीड एक्सेल, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इफ मुझे ये फर्स्ट शीट ना चाह के सेकेंड शीट का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज आप इस कोड को कॉपी कर लो और आप नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। फाइल का नाम अभी भी सेम है, ये इंडेक्स कॉल की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना होता है, शीट नेम बोल करके एक पैरामीटर होता है, यहाँ पे आपको बताना होता है अपनी शीट का नाम। सो हमारी शीट का नाम है शीट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर टू, मैंने उसको पेस्ट कर दिया।
और अब मैंने इसको जैसे ही रन किया, यू कैन सी ये रहा हमारा ये वाला डेटा जो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडा। मतलब आप ये शीट नेम को यूज करके अपने एक्सेल फाइल की कोई भी शीट को लोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑनेस्टली ये जो फंक्शन है, इसके जो बाकी पैरामीटर्स हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर टू रीड सीएसवी। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन फॉर रीड एक्सेल। और आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पैरामीटर्स थोड़े कम है रीड सीएसवी के कंपैरिजन में, और कुछ बहुत ही जाने पहचाने आपको पैरामीटर्स दिखाई देंगे। इंडेक्स कॉल हो गया, यूज कॉल हो गया, आप जो भी कॉलम्स यूज करना चाहते हो स्क्वीज कर सकते हो आप, ऑल्दो ये डेप्रिकेट होने वाला है या हो चुका है। डी टाइप हो गया जो मैंने आपको दिखाया था, कन्वर्टर्स हो गए जहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने कॉलम्स को, देन यू हैव स्किप रोज, एन रोज, एन ए वैल्यूज। ठीक है, सो बेसिकली बहुत सिमिलर है। पार्स डेट हो गया, डेट पार्सर हो गया। या मतलब एक बार आई वुड रिकमेंड आप जा करके इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो एक्सेल फॉर्मेट में है, ना कि सीएसवी फॉर्मेट में, उस केस में आपको ये वाला फंक्शन हेल्प करेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स हमने देख लिए। एक और क्विक इनपुट आपको देना चाहूँगा गाइस। अभी तक हमने दो अलग फाइल फॉर्मेट्स को इम्पोर्ट करना सीखा, सीएसवी और एक्सेल। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कुछ ऐसे डेटा सेट्स के साथ काम करोगे जहां पर आपके पास जो डेटा सेट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में, तो उसको कैसे इम्पोर्ट करना है वो भी जल्दी से सीख लो। ऑनेस्टली आप कुछ नया नहीं सीखोगे। लेट मी फर्स्ट शो यू कि आपके पास डेटा सेट क्या है। जैसे मान लो मेरे पास ये डेटा सेट है, क्वेश्चन आंसर पेयर्स डॉट टीएक्सटी, इट इज अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो जब भी आपके पास टेक्स्ट फाइल हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप उसको ओपन करते हो किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में, नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो, आप यहाँ पे जुपिटर में भी ओपन कर सकते हो, और आपको उसको स्टडी करना होता है, उसको देखना होता है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। सो यहाँ पर यू कैन सी कि ऑल्दो ये है टेक्स्ट फाइल, बट इसके अंदर जो डेटा है वो है टेबुलर। ठीक है, और जो टेबल के कॉलम्स हैं दे आर सेपरेटेड यूजिंग टैब्स, दीज आर टैब्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसके अंदर टेबुलर डेटा है और आप इसको इम्पोर्ट करोगे तो वो टैब सेपरेटेड है। ठीक है, तो इन अ वे इट इज लाइक अ टीएसवी फाइल स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले फिर से रीड सीएसवी फंक्शन को ही कॉल करना होता है। याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको जब भी टेक्स्ट फाइल्स को इंपोर्ट करना है, आप इवेंचुअली यूज तो रीड सीएसवी फंक्शन ही करोगे। ठीक है, बट आप उसमें थोड़े से अपने हिसाब से चेंजेस करते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको इंपोर्ट कर लोगे, और इसको जब आप इंपोर्ट करोगे तो यू वुड सी कि पार्सर एरर आ रहा है। अगर आप इसको रीड करो तो आपको समझ में आएगा कि एरर टोकनाइजिंग डेटा, टोकन्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम हुआ, एक्सपेक्टेड वन फील्ड्स दो दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली हुआ क्या है कि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं है। रीड सीएसवी डिफॉल्ट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज खोजता है, दिस इज नॉट कॉमा सेपरेटेड। हमारे केस में इट इज टैब सेपरेटेड, तो आई वुड राइट स्लैश टी। और अब मैं इस कोड को जैसे ही रन कर रहा हूँ, यू कैन सी रीड सीएसवी ने समझ लिया कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा है हमारे डेटा का, और उसको उसने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड यू कैन सी ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे कि एज इफ आपने किसी नॉर्मल सीएसवी फाइल से डेटा उठाया है। ठीक है, तो कहने का बस ये मतलब है कि आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में टेक्स्ट फाइल्स मिलेंगी, बट आपको याद क्या रखना है कि आप जब इम्पोर्ट करोगे तो आप रीड सीएसवी के थ्रू ही इंपोर्ट करोगे। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ एरर आता है, तो आपने जो भी चीजें अभी तक सीखी हैं रीड सीएसवी में, उनको यूज करके आप सही फॉर्मेट में डेटा को इंपोर्ट करोगे। ठीक है, और समझ कैसे आएगा कि सही चीज क्या है, बाय विजुअलाइजिंग द डेटा। देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और फिर आप अपने हिसाब से रीड सीएसवी के टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ ली, हमने सीएसवी फाइल्स को डिटेल में पढ़ लिया, हमने एक्सेल फाइल्स देख लिए, हमने टेक्स्ट फाइल्स भी देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो डेटा फॉर्मेट्स बचे हुए हैं उनकी तरफ। वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेसॉन और सीक्वल फाइल्स के साथ कैसे काम किया जाता है। ठीक है, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। सो बिफोर गोइंग इन टू द कोडिंग पार्ट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन जेसॉन और सीक्वल क्या होता है और क्यों ये इतने फेमस हैं कि आपको बहुत जगह पे मिल सकते हैं। सो जेसॉन इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑन नोटेशन।
और ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। यूनिवर्सल फॉर्मेट का मतलब है इसको ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझ पाते हैं, ठीक है। जेसॉन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज कहाँ पर होता है, जब आपका कोई सर्वर होता है और उस पर कोई एपीआई रखी होती है। अगर आपको एपीआई के बारे में नहीं पता है तो मैं एक दो वीडियोस के बाद एपीआई के ऊपर आपको काम करके दिखाऊंगा। आप जब एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हो तो पलट के जब एपीआई आपको डेटा देता है वो जनरली जेसॉन फॉर्मेट में होता है, और यही जेसॉन फॉर्मेट को अलग अलग लैंग्वेजेस पार्स कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जावा भी यूज कर सकता है, पाइथन भी यूज कर सकता है, कोई और लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, एंड दैट इज वाई जेसॉन इज अ वेरी पॉपुलर डेटा फॉर्मेट, ठीक है। और आप जब कैगल पे जाओगे तो हो सकता है आपको कुछ डेटा सेट्स ऐसे मिले जहां पे आपको जेसॉन यूज करने की जरूरत पड़े, ठीक है। सेकेंड इज सीक्वल। सीक्वल आई गेस आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो सीक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली आप डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा उठा करके अपने पैंडास डेटा फ्रेम में लोड कर रहे हो, दैट इज द होल आइडिया, ठीक है। ये भी बहुत फेमस है कैगल पे। बहुत सारे आपको डेटा सेट्स मिलेंगे जहां पर आपको सीक्वल फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दोनों के ऊपर थोड़ा सा कोड देखेंगे कि जेसॉन के साथ कैसे काम करना है एंड सीक्वल के साथ कैसे काम करना है, ठीक है। सो आई एम इन माई जुपिटर नोटबुक। मैंने Day 16 बोल करके एक नया फोल्डर बना दिया है और इसका ही मैंने गिटहब रेपोजिटरी भी बना दिया है। सो आप वो गिटहब रेपोजिटरी पे जैसे ही जाओगे आपको डे वाइज सारे के सारे कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी, ठीक है। और मैंने क्या किया है, मैंने एक नया डेटा सेट डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा है। देर इज अ डेटा सेट कॉल्ड रेसिपी, दिस वन गाइस। यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो एक फाइल में है ट्रेन डॉट जेसॉन बोल के, और यहाँ पे बेसिकली अलग अलग क्यूजीन्स हैं, और उन क्यूजीन्स के अंदर लाइक ये क्यूजीन है पता नहीं ग्रीक, और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली ये कोई क्यूजीन है, ओके हम एक्चुअली ओके हम ट्रेन वाला ही डेटा देख रहे हैं, क्यूजीन का नाम नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा ये प्रिडिक्शन किया गया है, मतलब बेसिकली एक क्लासिफिकेशन डेटा सेट है जहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स को देख करके डिसाइड करते हो कि वो कौन से टाइप का कुजीन है, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सा कुजीन है वो नहीं पता, टाइप ऑफ कुजीन बताया हुआ है, जमेकन, मैक्सिकन, इटालियन, ठीक है। बेसिकली इंग्रेडिएंट्स देख के आपको बताना है कि आपका कुजीन का टाइप क्या है। सो हम ये जेसॉन डेटा को पैंडास में लेके आएंगे और एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें प्रिडिक्शन करना नहीं है, वो हमारा अभी काम नहीं है, आप बाद में सीख करके कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक बहुत सिंपल सा कोड लिखना होता है, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर जेसॉन। जैसे रीड अंडरस्कोर CSV होता था बिल्कुल वैसे ही रीड अंडरस्कोर जेसॉन है। और यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। फाइल मेरे सेम फोल्डर पे लोकेटेड है और इसको आप जैसे ही रन करोगे, सी दिस इज द डेटा फ्रेम, कुजीन का नाम आ गया और इंग्रेडिएंट्स का नाम आ गया इनसाइड अ लिस्ट, ठीक है। हमारे पास टोटल 39,000 अलग डिशेज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आईडी है, इसका कुछ जरूरत नहीं है एज सच। तो या दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे रीड अंडरस्कोर CSV में थे, जैसे डी टाइप हमने पढ़ा था, कन्वर्ट डेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एनकोडिंग भी है, कभी कभी अगर आपको UTF-8 नहीं मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी वो चंक साइज वाली चीज है कि अगर आपका जेसॉन फाइल बहुत बड़ा है आप उसको चंक्स में लोड कर सकते हो, सो दैट आपके रैम के ऊपर हैवी ना पड़े। यहाँ पे भी एन रोज है, आप कितने रोज लोड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक कर लेना, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इफ पॉसिबल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेना कैगल पे अलग अलग डेटा सेट्स खोज करके। एक चीज मैं आपको जल्दी से और दिखाता हूँ कि आप रीड अंडरस्कोर जेसॉन को यूज करके चाहो तो एक URL से भी जेसॉन को लोड कर सकते हो। जैसे ये तो मेरे मशीन पे था ये वाला फाइल,
और लेट्स से ये एक यूआरएल है जहां पे ये जेसॉन पड़ा हुआ है, दिस इज द जेसॉन डेटा जो इस एपीआई से मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो कुछ खास करना नहीं है, मुझे बस इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करना है यहां पर, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर जेसॉन, और यहां पे बस आपको ये यूआरएल को पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और अब आप इसको जैसे ही रन करोगे, यू वुड सी कि आपके पास आपका डेटा फ्रेम आ चुका है। सो ये एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज रेट्स का डेटा सेट है, आईएनआर का अलग अलग करेंसीज में करेंटली वैल्यू कितना है, ये डेटा सेट है। और मेरे पास 160 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। सो या दैट इज हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। तो रीड अंडरस्कोर जेसॉन बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा हैवी लिफ्टिंग कर देता है, सो आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेट्स मूव ऑन टू सीक्वल डेटा, ठीक है। बिफोर दैट आई जस्ट डू वन थिंग, मैं एक सेल ऐड करके इस नोटबुक को थोड़ा सा और रीडेबल बना देता हूँ, वर्किंग विथ जेसॉन, और यहां पर आई कैन राइट वर्किंग विथ सीक्वल, ठीक है। तो सीक्वल के लिए मैं ये डेटा सेट यूज कर रहा हूँ कैगल से। ये एक्चुअली वर्ल्ड सिटीज का डेटा सेट है, ठीक है, और ये सीक्वल फॉर्मेट में है। सो ये सीक्वल फाइल है, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, और इस तरह की फाइल्स आपको बहुत मिलेंगी कैगल पे। अब मेरा काम क्या है कि इन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू पैंडास का डेटा फ्रेम, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है, और इस फाइल को डाउनलोड आप बहुत इजीली कर सकते हो। एक बार आपको बस कैगल पे लॉग इन करना है, लाइक सो, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, इसको बोलते हैं जैम। सी द एंटायर फ्लो इज दिस, कि आप सबसे पहले इस सीक्वल फाइल को अपने मशीन पे एक डेटाबेस के ऊपर रन करते हो। कोई भी डेटाबेस हो सकता है, माई सीक्वल, पोस्ट ग्रे, या फिर सीक्वल लाइट, कुछ भी यूज कर सकते हो, आई प्रेफर माई सीक्वल। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको जैम बोलते हैं। और जैसे आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जैम जैसे सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा, जैम कंट्रोल पैनल। इसको आप जैसे ओपन करोगे आपको ये कंट्रोल पैनल दिखेगा। अगर आपने कभी पास में वेब डेवलपमेंट किया होगा तो आपको शायद ये सब चीज पता होगी। यहाँ पे आपको दो चीजों को स्टार्ट करना है, अपाचे विच इज योर वेब सर्वर एंड माई सीक्वल विच इज योर डेटाबेस सर्वर, इन दोनों को स्टार्ट कर देना है। फिलहाल मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और एक बार जब आप ये कर लो, फिर आपको क्या करना है, आपको एक यूआरएल हिट करना है अपने मशीन पर, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया, ये सारे मेरे डेटाबेसेस हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाना है। सो आई क्लिक ऑन न्यू, और यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि मेरे डेटा सेट का नाम वही है। सो वर्ल्ड, और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। सी यहाँ पे डेटा सेट बन गया, डेटा बेस बन गया एक्चुअली। और फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, चूज फाइल एंड आई विल गो टू द बॉटम ऑफ द पेज टू W, मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया, ये रहा वर्ल्ड डॉट सीक्वल, इसको मैं ओपन करूंगा, ठीक है। और अब बस मैं इस फाइल को कंप्लीटली इंपोर्ट कर लूंगा। थोड़ा टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा सीक्वल फाइल है। सीक्वल फाइल्स जनरली बड़े होते हैं क्योंकि डेटाबेस में काफी डेटा रहता है। सो ये देखो यहाँ पे बोल रहा है 5344 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड। और अगर आप देखो वर्ल्ड में, तो ये तीन टेबल्स बन गए, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज बोल के। सो अगर मैं सिटी पे क्लिक करूं तो ये मेरी सारी सिटीज हैं, उनका कंट्री कोड है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, पॉपुलेशन कितना है, ये कंट्री है, ये सारी कंट्रीज का डिटेल है, सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंस ईयर, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यहाँ पे कंट्री लैंग्वेज है, ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। और अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। इस लाइब्रेरी का काम होता है पाइथन को माई सीक्वल से बात करवाना, ठीक है, क्योंकि डेटा आपका
माई सीक्वल डेटाबेस में, आपको कहाँ पे चाहिए, पाइथन में. तो यू विल हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज जो दोनों सॉफ्टवेयर को आपस में बात कराए. और वो ब्रिज कौन है, आपका माई सीक्वल डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल माई सीक्वल डॉट कनेक्टर. इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, बस आपको नेट से कनेक्टेड रहना है. सी मेरे केस में इट सेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड माई सीक्वल डॉट कनेक्टर. अब मैं इसको इम्पोर्ट कर लूंगा, सो आई विल राइट इम्पोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर. इम्पोर्ट हो गया. अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना है पाइथन के थ्रू टू योर डेटाबेस. और वो आप कैसे करते हो, आप अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखते हो माई सीक्वल डॉट कनेक्टर डॉट. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको कनेक्ट बोल के एक फंक्शन चाहिए होता है. इसमें आप चार चीजें पास करते हो. फर्स्ट, आपका डेटाबेस सर्वर का आईपी एड्रेस, मतलब आपका डेटाबेस कौन से मशीन पे रन कर रहा है. आपकी खुद की मशीन पे रन कर रहा है तो आप होस्ट का वैल्यू डाल दोगे लोकल होस्ट. लोकल होस्ट का मतलब मेरे खुद का मशीन. अगर आप किसी रिमोट सर्वर के साथ काम कर रहे हो तो आपको उसका आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, AWS वगैरह के साथ अगर आप काम कर रहे हो. नेक्स्ट इज आपका यूजर नेम ऑन दैट मशीन. हम सभी का यूजर नेम शुरू में रूट होता है जब हम जैम्प के साथ काम करते हैं, ठीक है. पासवर्ड एम्प्टी, अभी कुछ भी नहीं है. और फिर आपको बताना होता है कि उस डेटाबेस सर्वर पे कौन सा डेटाबेस, क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे और भी डेटाबेसेस हैं, बट मुझे कौन सा चाहिए, वर्ल्ड. सो आई विल राइट डेटाबेसेस वर्ल्ड, ठीक है, RLD, ठीक है. अब इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे आपको पलट के एक माई सीक्वल कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है. और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज करके ही आप अपना काम आगे करते हो. तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट कॉन एज इन कनेक्शन, ठीक है. अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है. आपके पास एक फंक्शन होता है पैंडाज में, इट्स कॉल्ड रीड अंडरस्कोर सीक्वल अंडरस्कोर क्वेरी. इसको दो चीजें बतानी होती है, फर्स्ट एक सीक्वल क्वेरी और दूसरा आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ये फंक्शन इंटरनली ऑटोमेटिकली आपका पैंडाज डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा. जैसे लेट मी शो यू कि मुझे चाहिए है ये सिटी वाला पूरा का पूरा टेबल, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक स्ट्रिंग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी मेरा टेबल, और मैं अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा. और अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा यू कैन सी जो चीजें मेरे पास यहां पर थी एग्जैक्टली वही चीजें यहां पर आ गई, ठीक है. और आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो. एक्चुअली आप क्वेरी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. अगर आपको सीक्वल आता होगा तो आपको पता होगा कि आप कई चीजें कर सकते हो. वेयर कंट्री कोड इज लाइक, आई एम नॉट श्योर इंडिया IND लिखा हुआ है कि नहीं, बट ट्राई करते हैं. सी मैंने फिल्टर कर दिया मेरे डेटा को, अब मेरे पास सिर्फ 341 रोज आ रहे हैं, क्योंकि अब मेरे पास जितनी भी सिटीज हैं वो सब इंडिया की है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे USA लिखता तो सिर्फ USA की सिटीज आती, 274 सिटीज, ठीक है. तो ये सीक्वल अगर आपको आता है तो सीक्वल को यूज करके आप कुछ भी क्वेरी लिख करके डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे लेट्स से चाहिए होता ये वाला टेबल, कंट्री वाला टेबल, तो इन दिस केस मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी के बदले आई वुड हैव रिटन कंट्री, ठीक है. या और रन किया, ये देखो गाइस, ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी फिल्टर लगा सकते हो. जैसे आपको ये लगाना है कि मुझे उन कंट्रीज का नाम चाहिए जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 59 या 60, तो आप क्या कोड लिखोगे, आप ये लिखोगे कॉपी वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 60. और अब यहाँ पे देखो आपको सिर्फ वही कंट्रीज मिलेंगी, सिर्फ 167 कंट्रीज आ रही हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 60. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे टेबल का नाम दे देना है, ठीक है. मैं एक लास्ट चीज बताता हूँ आपको, जैसे दिस इज द थर्ड टेबल, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं. सो वी वुड राइट लाइक दिस,
और फिर आपको पता ही, आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, df इज इक्वल टू दिस, और फिर आप df को अगर प्रिंट करोगे, ये रहा आपके पास आपका डेटा फ्रेम। ठीक है, तो बहुत ही काम का फंक्शन है ये। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट जो भी ऑप्शंस हैं बहुत काम के ऑप्शंस हैं। आप इंडेक्स कॉलम बना सकते हो, देखो मैंने सीक्वल पास किया मेरा क्वेरी, और मैंने कनेक्शन पास किया, ये दोनों चीजें मैंने पास की। आप इंडेक्स कॉलम, मैंने आपको बताया था रीड अंडरस्कोर सीएसवी में, आप पार्स डेट्स यूज कर सकते हो, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टेबल का कॉलम इज अ डेट, आप ये वाला चीज यूज कर सकते हो। और यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है चंक्स में अपने डेटा को लोड करने का, सो दैट आपके रैम के ऊपर प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो अगेन आप ये डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग डेटा सेट्स के साथ। सीक्वल के साथ काम करने के और भी एक दो तरीके होते हैं, बट मैंने जो आपको बताया ये सिंपल वाला है और काम कर जाता है। मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ जब भी मेरे पास सीक्वल का डेटा होता है। तो गाइज, अभी तक आपने पैंडास में डेटा को इंपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके देखे। आपने देखा कि आप सीएसवी फाइल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, आपने देखा कि आप एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, जेसॉन फाइल को इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, एसक्यूएल को कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, राइट? बट कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा कि आपको डेटा को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? आपके पास कोई डेटा फ्रेम है और आप उसको किसी फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है कि कभी कभी इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आ जाए। तो गुड पार्ट इज कि पैंडास के पास एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? और अब मैं आपको वही फंक्शंस दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले लेट मी शो यू, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पैंडास को इम्पोर्ट किया और मैंने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है? और अब अगर आप देखो, अगर मैं लिखूं df डॉट टू और मैं टैब प्रेस करूं, यू वुड सी कि हमें एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस मिल रहे हैं जो कि टू से स्टार्ट होते हैं, और ये टू वाले जो फंक्शंस होते हैं यही पैंडास के एक्सपोर्ट फंक्शंस होते हैं, राइट? सो अलग अलग टाइप के टू फंक्शंस आपके डेटा फ्रेम को अलग अलग डेटा फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे अगर आप देखो तो टू सीएसवी एक सीएसवी फाइल जनरेट कर देगा, टू डिक्शनरी एक डिक्शनरी जनरेट करेगा, टू एक्सेल एक एक्सेल फाइल जनरेट करेगा, टू फेदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा फॉर्मेट है, अपाचे एरो बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें यूज होता है। फिर इसी तरीके से और कुछ फॉर्मेट्स हैं, इनमें से कुछ फॉर्मेट्स आप शायद जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। HTML है, JSON है, लेटेक्स है, मार्कडाउन है, नंपाई है, पिकल है, SQL है, स्ट्रिंग है, टाइम स्टैम्प है, XML है। तो यू कैन सी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? आपके पास अगर एक डेटा फ्रेम है तो आप उसको अपनी कन्वीनियंस से किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? अब हमें सारे के सारे फॉर्मेट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम ये पांच फॉर्मेट्स देखेंगे, ठीक है? हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक डेटा फ्रेम है तो हम उसको CSV में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, HTML में कैसे कर सकते हैं, JSON में कैसे कर सकते हैं, और SQL में कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यही वो पांच फॉर्मेट्स हैं जो प्रोबेबली आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये जो नोटबुक है, ये फिलहाल मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर रखा है लोकल अपनी मशीन में। ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने गूगल कोलैब यूज़ नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि जब मुझे एसक्यूएल में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो मुझे मेरा लोकल डेटाबेस यूज़ करना है जो मेरी मशीन पर है, तो वो गूगल कोलैब से उसका कनेक्शन हो नहीं पाता। दैट इज़ वाई मैंने जुपिटर नोटबुक यूज़ किया है। बट आप इतना समझ लो कि ये पहले चारों को आप गूगल कोलैब में भी चला सकते थे विदाउट यहाँ पर जुपिटर के ऊपर चलाने के, ठीक है? तो चलो मैं आपको एक एक करके ये पांचों फंक्शंस का आइडिया देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, और ये नोटबुक जो है ये आपको काइंड ऑफ फ्यूचर में एक रेफरेंस की तरह हेल्प करेगी कि अगर फ्यूचर में आपको कभी भी इनमें से किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ा तो आप बस ये नोटबुक देख के झट से कर सकते हो, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टू सीएसवी से, जो कि सबसे कॉमन यूज केस है, सबसे ज्यादा बार आपको करना पड़ेगा। तो हम इस पूरे के पूरे वीडियो के लिए डिलीवरीज, जो हमारा आईपीएल वाला डेटा सेट है, उसको यूज करेंगे, बिकॉज बार बार आपने देख रखा है ये डेटा सेट, तो काइंड ऑफ एक होल्ड है आपका इस डेटा सेट पे, ठीक है? तो ये रहा हमारा डेटा सेट, यहाँ पे बॉल बाय बॉल डेटा है आईपीएल का।
अब मान लो किसी ने आपसे ये बोला कि भाई इस डेटा सेट से आपको एक नया डेटा सेट बनाना है, और वो जो नया डेटा सेट होगा उसमें दो कॉलम्स होंगे, एक में होगा बैट्समैन का नाम और दूसरे कॉलम में होगा कि उस बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए टोटल आईपीएल में आज तक, ठीक है? और आपको ये डेटा फ्रेम को सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है? कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वो नया डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश करोगे। आप लिखोगे df डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय करोगे आप बैट्समैन के बेसिस पे, और आप निकालोगे बैट्समैन रन्स कॉलम को और उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे सम, और आपको मिल जाएगा एक एरर क्योंकि हमने शायद कुछ तो गलत लिखा है। एक बार इसको फिर से रन करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। जी हाँ, ये रहा गाइस हमारा आउटपुट। दिस इज अ सीरीज राइट नाउ। अगर आप डॉट रीसेट इंडेक्स कर दो तो ये बन जाएगा आपका एक डेटा फ्रेम, ठीक है? इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेट्स कॉल इट टेम्प डीएफ। अब मेरे पास मेरा डिजायर्ड डेटा फ्रेम है, मुझे क्या करना है, मुझे इस डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करना है सो दैट कोई और उस सीएसवी फाइल को यूज कर पाए, ठीक है? तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड जस्ट राइट दिस कोड, डेटा फ्रेम का नाम डॉट, मैं टैब प्रेस करूंगा, टू अंडरस्कोर सीएसवी, और यहाँ पे मुझे पहले एक नाम बताना होगा जहां पर कुछ भी नाम आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया बैट्समैन रन्स डॉट सीएसवी, ठीक है? और बस इतना ही आपको करना है। आप जैसे ही इस कोड को रन करोगे कोई आउटपुट नहीं आएगा, बट अगर आप उस फोल्डर में जाओ जहां पर आपकी ये फाइल पड़ी हुई थी, यू वुड सी वहां पर ऑटोमेटिकली ये फाइल बन गई है बैट्समैन रन्स डॉट सीएसवी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखो ये रही वो फाइल, ठीक है? द ओनली प्रॉब्लम इज कि जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया है जिसको हम इंडेक्स कॉलम बोलते हैं, ठीक है? अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको बस यहाँ पे लिखना होता है इंडेक्स इक्वल्स फॉल्स, और अब आप इस कोड को जैसे ही रन करोगे यू वुड सी वो कॉलम हट गया और आपके पास सिंपल सीएसवी फाइल आ चुकी है। तो अभी तक इस कोर्स में, डीएसएमपी वाले कोर्स में, मैंने बहुत सारे डेटा फ्रेम्स आपके सामने रखे हैं, दिखाए हैं। उनमें से कई डेटा फ्रेम्स मैंने इसी तरीके से खुद से बनाए थे, ठीक है? तो अब आप भी ये चीज़ सीख चुके हो, अपने फॉर्मेट, अपनी पसंद के फॉर्मेट में ले आओ और उसको सीएसवी के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट? यू कैन इजिली क्रिएट अ पिवट टेबल समथिंग लाइक दिस, डीएफ डॉट पिवट टेबल, और लेट्स से हमने लिख दिया इंडेक्स में बैट्समैन और हमने लिख दिया कॉलम में बॉलिंग टीम और हमने लिख दिया वैल्यूज में बैट्समैन रन्स, ठीक है? और हमारा एग्रीगेट फंक्शन हो गया सम। जैसे आप इस कोड को रन करोगे आपको एक इस तरह का डेटा फ्रेम मिल जाएगा जहां पे हर बैट्समैन ने हर टीम के अगेंस्ट कितना रन बनाया था, ये आपके सामने है, राइट? आप क्या कर सकते हो, इस डेटा फ्रेम को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? कैसे? बस लिखोगे डॉट टू सीएसवी, इस डेटा फ्रेम का कुछ नाम रख सकते हैं, बैट्समैन वर्सेस टीम डॉट सीएसवी, यहाँ पे भी आप डाल दोगे इंडेक्स इक्वल्स फॉल्स। इस कोड को आपने रन किया और ये देखो ये रहा वो डेटा फ्रेम, दिस इज द डेटा फ्रेम, ठीक है? यहाँ पर ऑल दो आपको इंडेक्स चाहिए था क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स ट्रू होगा। उसका रीजन क्या है कि आपका जो बैट्समैन का नाम है वो इंडेक्स में स्टोर्ड है, राइट? ये देखो बैट्समैन का नाम इंडेक्स में स्टोर्ड है तो आप इंडेक्स रख लोगे और इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है? बीच में जो वैल्यूज दिख रही हैं दीज आर नैन वैल्यूज, जो भी है मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है? तो ये था अपना पहला फंक्शन। अपना दूसरा फंक्शन है टू एक्सेल, ठीक है? कभी कभी अगर आप चाहो तो आप एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरह की टीम्स में काम कर रहे हो
देर कुड बी अ रिक्वायरमेंट, आपका बिजनेस सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपको अपना एनालिसिस एक्सपोर्ट करना है टू एक्सेल फाइल, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये डीएफ है और हमने क्या किया, हमने फिर से बैट्समैन रन कैलकुलेट कर लिया, हमने बैट्समैन रन कैलकुलेट कर लिया, राइट? ये रहा बैट्समैन रन, ये रहा बैट्समैन रन। हमें क्या करना है, इसी को एक एक्सेल फाइल में डालना है, इस बार सीएसवी फाइल नहीं है, एक्सेल फाइल है। तो कोड क्या होता है, दिस इज द कोड, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये लिखना है अपने डेटा फ्रेम का नाम, टेम्प डीएफ टू एक्सेल, और यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है, लेट्स से बैट्समैन रन्स डॉट एक्सएलएस, ठीक है, एक्सएलएस एक्स, दिस इज द फॉर्मेट। और इस कोड को आप जैसे ही रन कर रहे हो यहाँ पर, यू वुड गेट दिस फाइल। अब ये फाइल ओपन नहीं होगी बिकॉज ये आपकी एक्सेल फाइल है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, मैं इसको अपलोड करता हूँ, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पीसी, यूजर्स नितिश, और यहाँ पर पैंडास एक्सपोर्ट है, और ये रही वो फाइल, और ये देखो इसको हमने ओपन किया, गूगल शीट्स में ओपन हो रहा है। मेरे पास एक्चुअली है नहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो मुझे यही तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। यू कैन सी ये रही हमारी एक्सएलएस वाली फाइल, ठीक है? वापस कोड में जा रहे हैं, और अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर शीट में भी स्टोर कर सकते हो। तो शायद आपको पता होगा एक्सेल में शीट्स होती हैं, राइट? जैसे डिफॉल्ट इज शीट वन, तो आप शीट वन में स्टोर किया आपने डिफॉल्ट, तो आप चाहो ना तो आप शीट को कुछ नाम दे सकते हो। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कोड लिख रहे हैं, टेम्प डीएफ डॉट टू एक्सेल, फाइल का नाम सेम है, शीट का नाम है बैट्समैन रन्स, ठीक है? और हमने इस कोड को रन कर दिया, रिप्लेस हो गई वो फाइल। आई विल गो, आई विल क्लिक ऑन न्यू फोल्डर, सॉरी नॉट न्यू फोल्डर, आई विल क्लिक ऑन फाइल अपलोड एंड आई विल अपलोड द सेम फाइल, रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल। डिसमिस समहाउ चेंजेस आए नहीं। एक काम करते हैं, फिर से अपलोड करते हैं इसको, यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ, बैट्समैन रन्स आईपीएल बुला लेते हैं इसको, बैट्समैन रन्स आईपीएल ओपन, दिस इज द फाइल, लेट्स सी समहाउ यहाँ पर शीट नेम तो नहीं आया, आना चाहिए था शीट नेम, स्टिल शीट वन। एक काम करते हैं, एक दूसरी चीज करते हैं, हम लोग दो शीट्स बनाते हैं साथ में, राइट? आप चाहो तो दो शीट्स बना सकते हो, राइट? यहाँ पर आप प्लस करके यू कैन ऐड मोर शीट्स, ठीक है? तो मान लो आपको एक ऐसा एक्सेल फाइल बनाना है जिसमें मल्टीपल शीट्स हैं, ठीक है? तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम क्या कर रहे हैं, एक शीट में बैट्समैन के रन्स को स्टोर कर लेंगे और एक शीट में ये पिवट टेबल स्टोर कर लेंगे, ठीक है? विल डू दिस, सो लेट्स रन दिस, इसको बोलते हैं टेम्प डी एफ टू, ठीक है? दिस इज टेम्प डी एफ टू, और हम इसको ऑब्वियसली सीएसवी में स्टोर नहीं कर रहे,
हम इसको टेम्प डीएफ टू में स्टोर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास दो टेम्प हैं, टेम्प डीएफ वन, टेम्प डीएफ टू, ठीक है। सो आपको क्या करना होता है, आपको ये कोड रन करना होता है कि जब भी आपके पास एक एक्सेल फाइल है और आप उसमें मल्टीपल शीट्स में काम करना चाहते हो, तो एक एक्सेल राइटर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उस एक्सेल राइटर ऑब्जेक्ट का उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसमें आप अपने फाइल का नाम डालते हो, इसको हम लोग बुला लेते हैं आउटपुट डॉट एक्सेल एस एक्स, ठीक है, एज राइटर। और फिर आपको क्या करना होता है, आपके पास जितने भी डेटा फ्रेम्स हैं आप उनको एक के बाद एक लिखते हो। जैसे मेरा पहला डेटा फ्रेम है डी एफ टू, एक्सेल को मैंने कॉल किया, राइटर ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया, शीट नेम मैंने बता दिया, फिर मैंने अपना सेकेंड फंक्शन सेकेंड डेटा फ्रेम को पकड़ा टेम्प डी एफ टू डॉट टू एक्सेल, यहाँ पे मैंने राइटर फिर से बताया, शीट नेम मैंने ये बता दिया, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल एक्सेल फाइल बना रहा हूँ बट मैं उसमें दोनों शीट्स में काम कर रहा हूँ, दो शीट्स में काम कर रहा हूँ। लेट्स रन दिस कोड, रन हो गया, यहाँ पर यू कैन सी आउटपुट डॉट एक्सेल एस एक्स आ गया। फिर से हम न्यू पे जा रहे हैं, फाइल अपलोड पे जा रहे हैं और हम इस फाइल को अपलोड कर रहे हैं, ये रही हमारी फाइल, लेट्स लोड इट ऑन गूगल शीट्स। यप, ये रहा गाइस, दिस इज द आउटपुट। ये देखो शीट नेम वन में पहला वाला डेटा फ्रेम आ गया और शीट नेम टू में यू कैन सी आपका सेकेंड वाला डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन हैव अ एक्सेल फाइल विथ मल्टीपल शीट्स। आपको बस ये एक्सेल राइटर ऑब्जेक्ट को यूज करना होता है, ठीक है। ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको बस इसको यूज कर लेना है फ्यूचर में अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने कर ली। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग। द थर्ड थिंग इज टू एच टी एम एल। सो अगर आप चाहो तो आप अपने पैंडास डेटा फ्रेम को एच टी एम एल टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। लेट्स से आप अपनी एनालिसिस को एक ब्लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हो और ब्लॉग में आपको अपने एनालिसिस को एज अ टेबल प्रिंट करना है, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो, टू एच टी एम एल को यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हम क्या करते हैं, हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, हमारा डेटा फ्रेम है डी एफ डॉट पिवट टेबल और मैं बस पिवट टेबल बना रहा हूँ बिटवीन ओवर्स एंड बॉल्स। तो आई वुड राइट इंडेक्स में ओवर, कॉलम्स में बॉल, वैल्यूज में आई वुड राइट बैट्समैन, रन्स एंड एग्रीगेट फंक्शन में आई वुड राइट काउंट। सो ये क्या करेगा, ये मुझे बेसिकली बता रहा है कि अच्छा ऑल्सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डी एफ डॉट क्वेरी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ क्वेरी में बैट्समैन रन्स इक्वल टू सिक्स, बैटमैन नहीं बैट्समैन रन्स, या सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने पहले फिल्टर कर लिया अपने डेटा फ्रेम को, मैंने सिर्फ वो रोज रखे जहाँ पे छक्के पड़े थे और अब मैंने एक पिवट टेबल बना लिया जहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो बता रहा है कि किसी भी ओवर के किसी भी बॉल पे हिस्टोरिकली कितने छक्के लगते हैं, राइट। दिस इज द डेटा, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर टेबल को एच टी एम एल में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा डॉट टू एच टी एम एल और यहाँ पे मैं बोलूँगा सिक्सेस डॉट सिक्सेस अंडरस्कोर हीट मैप डॉट एच टी एम एल, ये मेरी फाइल बन जाएगी, ठीक है। और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा यू वुड सी हमारे पास एक ये बन गया सिक्सेस हीट मैप डॉट एच टी एम एल। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखो ये एक एच टी एम एल फाइल है जो आपके स्क्रीन पर है, दिस इज अ एच टी एम एल फाइल और इस एच टी एम एल फाइल में ये एक टेबल फॉर्म हो गया है, ठीक है। अगर आप इसका कोड देखना चाहो तो आपको बस व्यू पेज सोर्स में जाना है एंड यू वुड सी कि दिस इज यूजिंग अ हीट
इट्स यूजिंग एन आई फ्रेम जहाँ पे ये फाइल यूज हो रही है. आई शुड गो बैक टू, सो या गाइस, ये रही वो फाइल और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ विथ विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड. और ये देखो गाइस, ये रहा कोड. ये HTML का टेबल टैग यूज करके ये टेबल ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया और यही वहां पे डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, यही मैं आपको दिखाना चाहता था. तो इन फॉर्मेट्स हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट इज टू जेसॉन. ठीक है, टू जेसॉन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जेसॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट. इट इज द मोस्ट यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट जो आज की डेट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपस में यूज कर बात करने के लिए यूज करती हैं, राइट? तो कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आ सकता है कि आपको बोला जाए कि यार जो आपके पास डेटा है, जो आपका एनालिसिस है, जो डेटा फ्रेम है, उसको आप एक्सपोर्ट करो इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. मान लो आपको ये बोला जाए कि ये जो डेटा फ्रेम आपके सामने है, इससे आपको एक जेसॉन बनाना है. उस जेसॉन में क्या होगा, हर बैट्समैन का नाम होगा और उस बैट्समैन के नाम के आगे उन टीम्स का नाम होगा जिनके लिए उस बैट्समैन ने खेला है और कितने रन्स बनाए, ये भी लिखा होगा. ठीक है, ये हमें बताना है. जैसे कि विराट कोहली आरसीबी के लिए खेला है सिर्फ, तो कितने रन्स बनाए उसने आरसीबी के लिए. ठीक है, इस तरीके से हमें हर बैट्समैन के लिए करना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट राइट दिस कोड, df डॉट ग्रुप बाय. दो चीजों के बेसिस पे मैं ग्रुप बाय करूंगा. फर्स्ट ग्रुप बाय मैं करूंगा आपका बैटिंग अंडरस्कोर टीम के लिए ऊपर, और दूसरा ग्रुप बाय मैं करूंगा बैट्समैन के ऊपर. आई वुड फेच द बैट्समैन रन्स और उसके ऊपर आई वुड रन सम. दिस वुड गिव मी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, इसके ऊपर मैं चला दूंगा अनस्टैक, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको. जैसे आप अनस्टैक करोगे, यू कैन सी कॉलम में अपना आ गया हर बैट्समैन और आपका रो में आ गया टीम का नाम. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर चला सकते हो टू जेसॉन और यहाँ पे बस आपको लिखना है IPL डॉट जेसॉन, ये आपकी फाइल का नाम है. ठीक है, और आप इसको जैसे ही रन करोगे, यू वुड गेट अ फाइल. दिस इज द फाइल, इस पे मैंने क्लिक किया एंड यू कैन सी यहाँ पर देखो एक डिक्शनरी है जहाँ पे पहला की इज अ बैट्समैन जिसका वैल्यू इज अ डिक्शनरी और उस डिक्शनरी में हर टीम का नाम है. और अगर टीम के नाम के आगे नल है, इसका मतलब वो बैट्समैन उस टीम के लिए कभी नहीं खेला. अगर एक नंबर है तो वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस बैट्समैन ने उस टीम के लिए कितने रन्स बनाए. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है. सो अगर आप नीचे जाओ, यू वुड गेट अ लॉट ऑफ डेटा, राइट? दिस इज अ लॉट ऑफ डेटा. अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं अगर लेके जाऊँ इसको जेसॉन व्यूअर में या उस टाइप की कोई भी वेबसाइट में, कंटिन्यू टू साइट, और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और अब मैं व्यूअर में जाऊं, तो यू वुड सी कि मेरे हर बैट्समैन इज नाउ बेसिकली अ की, और उस पर क्लिक करके आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट की जहां पे टीम का नाम है उसके आगे नल लिखा हुआ है, मतलब वो बैट्समैन उस टीम के लिए कभी नहीं खेला. और अगर देर इज अ ग्रीन सिंबल तो इट मीन्स वो उस टीम के लिए खेला और कितने रन्स बनाए वो लिखा हुआ है. ठीक है, यू कैन सी ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है. ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू एक्सपोर्ट टू जेसॉन. ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मेट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट फॉर्मेट. द लास्ट फॉर्मेट इज टू एसक्यूएल. हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है और हम उस डेटा को ना हमारे डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं. हम अपने डेटा फ्रेम को उठा के हमारे डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डेटाबेस चाहिए पड़ेगा. तो आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो ज़ैम्प नाम से. दिस इज द सॉफ्टवेयर. आप इसको इंस्टॉल करोगे और आप इसको जैसे ही रन करोगे अपने मशीन पे, तो आपको एक ज़ैम्प कंट्रोल पैनल मिलता है जो कि ऐसा दिखाई देता है. ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना है, पहले दोनों को स्टार्ट कर देना है, अपाचे और माई सीक्वल को. ठीक है, जैसे ये दोनों स्टार्ट होगा, आप क्या कर सकते हो, आप ये URL लिख सकते हो, लोकल हो स्लैश PHP माई एडमिन,
ऑटोमेटिकली ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये आपका डेटाबेस सर्वर है। यहाँ पर यू कैन हैव मल्टीपल डेटाबेसेस, ठीक है? तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना दिया, लेट्स कॉल इट कैंपस एक्स बोल के पहले से है। लेट्स से हमने आईपीएल बोल के एक डेटा सेट बना दिया, ठीक है? ये रहा हमारा डेटा सेट। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आईपीएल के अंदर हम आईपीएल का डेटा स्टोर करें जो हमारे पास यहाँ पर है, ये डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये कोड थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा बट ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये दोनों मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करना पड़ता है, एक का नाम है पाई माई सीक्वल, ये जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं दिस इज अ माई सीक्वल डेटाबेस, सो दैट्स वाई यू हैव टू इम्पोर्ट पाई माई सीक्वल, एंड देन यू हैव टू इम्पोर्ट क्रिएट इंजन फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी। सो एसक्यूएल एल्केमी इज बेसिकली अ लाइब्रेरी इन पाइथन जो आपको डेटाबेसेस के साथ काम करने में हेल्प करती है, ठीक है? आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्रिएट इंजन को कॉल करके एक इंजन बनाना होता है, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ता है, और उस यूआरएल में ये स्ट्रक्चरिंग होती है। सबसे पहले आप लिखते हो माई सीक्वल प्लस पाई माई सीक्वल, ठीक है? उसके बाद आपको एक इस तरीके से यू आर एल बनाना पड़ता है। अब इस यू आर एल में देखो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है आपका यूजर नेम। सो ये मेरी मशीन है तो मेरी मशीन पे यहाँ पर मेरा यूजर नेम इज रूट, ठीक है? उसके बाद आपको लगाना होता है कोलोन, और कोलोन के बाद आपको लगाना होता है पासवर्ड ऑफ योर अकाउंट। जैसे यहाँ पे मेरा पासवर्ड इज नथिंग, इट्स ब्लैंक, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा इस जगह पे आफ्टर द कोलोन। देन यू पुट एट द रेट एंड देन यू पुट द यू आर एल ऑफ योर डेटाबेस सर्वर, इन माई केस इट इज लोकल होस्ट, ठीक है? तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे एट द रेट के बाद लोकल होस्ट लिखा। उसके बाद यू पुट अ स्लैश एंड देन यू राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस जहाँ पर आप एंट्री करना चाहते हो, ठीक है? इन आवर केस इट वुड बी आईपीएल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ पे कैंपस एक्स लिखा हुआ है आई वुड राइट आईपीएल, ठीक है? और जैसे ही आप ये करोगे आपका इंजन बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने डेटा फ्रेम को उठाओगे विच इज डीएफ, और आप डीएफ के अंदर टू एसक्यूएल फंक्शन को कॉल करोगे। यहां पर आपको नाम बताना पड़ेगा अपने टेबल का, ठीक है? तो मैं बोलूंगा आईपीएल डिलीवरी बिकॉज इसमें सारी डिलीवरीज का नाम है। फिर आप यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट में इंजन प्रोवाइड कर दोगे जो आपने ऊपर बनाया, और फिर आप बोलोगे कि अगर ये टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है तो पुराना जो डेटा है उसमें अपेंड कर देना नए रोज, ऑल दो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नया टेबल क्रिएट होगा और उसमें रोज ऐड हो जाएंगे, ठीक है? मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, इट वुड टेक सम टाइम बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा है, ऑलमोस्ट 179,000 रोज हम ऐड करने जा रहे हैं, तो इट वुड टेक सम टाइम, ठीक है? बट यू वुड सी कि थोड़ा टाइम के बाद ये डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, और सीधे जैसे कि हो गया, अगर हम यहाँ पे जाएं देखो क्या बोल रहा है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँ यू वुड सी नाउ देर इज वन टेबल आई पी एल डिलीवरी जो कि 44 MB इन साइज है, और इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आई वुड गेट द सेम डेटा जो मेरे पास वहां पर था। इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेट्स से मुझे एक और एक्सपोर्ट करना है, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो टेम्प डीएफ है जहाँ पे मैंने सारे बैट्समैन और उनका रन स्टोर किया है मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ, तो वॉट आई वुड डू इज आई वुड कॉपी पेस्ट, और इस बार आईपीएल डिलीवरी के बदले मैं मेरे टेबल का नाम बोलूंगा बैट्समैन रन्स, और सब कुछ सेम रहेगा, और मैं इस कोड को रन कर दूंगा, रन हो गया। अब देखो जब मैं आईपीएल पे क्लिक करूंगा मेरे पास दो टेबल्स हैं, अगला है बैट्समैन रन्स, इस पे क्लिक किया ये देखो ये सारा सारा का सारा। एक और मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ, मान लो हमारे पास था टेम्प DF2 जिसमें हमने ये स्टोर कर रखा था कि हर बैट्समैन ने हर टीम के अगेंस्ट कितने रन बनाए, आई गेस, या इससे बढ़िया रहता अगर हम ये वाला स्टोर करते हैं, दिस वन कॉपी, ये था ना सिक्सेस का हीट मैप, मैं इसका नाम रख रहा हूँ 6DF, और हम क्या कर रहे हैं हम ये कोड कॉपी कर रहे हैं, वी आर जस्ट कॉपिंग दिस कोड एंड वी विल राइट 6_DF डॉट, यहाँ पे आ जाएगा
हीट मैप, ठीक है, और को रन कर दिया और आईपीएल पे क्लिक किया, ये देखो सेम डेटा सेट यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो एक डेटा बेस के अंदर कितने भी डेटा फ्रेम्स ऐड करते जा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि हाउ कैन वी एक्सपोर्ट आवर पैंडास डेटा फ्रेम टू दीज डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, बट वो फ्यूचर में अगर हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे और हमें लगेगा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो हम ऑन द गो सीख लेंगे। फिलहाल जो सबसे कॉमन यूज होने वाले हैं फॉर्मेट्स वो मैंने आपको पढ़ा दिए, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लो। सो गाइज, अभी तक आपने देखा कि डेटा अगर आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है भले ही अलग अलग फॉर्मेट्स में हो तो उसको इम्पोर्ट कैसे करना है, या फिर अगर आपने उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग किया, कुछ एनालिसिस रन किया और अब आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। बट कभी कभी क्या होगा कि आपके पास जो डेटा होगा वो बहुत इनडायरेक्ट तरीके से अवेलेबल होगा, सो डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट थोड़ा मेहनत करने पे आप उसको अपने पास ला सकते हो। सो हम दो सिनारियोज डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट सिनारियो जो डेटा हमें चाहिए है वो किसी दूसरे की वेबसाइट पर है और वो हमें दे सकता है थ्रू एन एपीआई, तो हम एपीआई के थ्रू डेटा को लाने का कोशिश करेंगे और उसको पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड इन द सेकेंड सिनारियो ऐसा होगा कि जो डेटा है वो किसी दूसरे की वेबसाइट पर है बट वो हमें दे नहीं रहा है थ्रू एन एपीआई, तो हम उसके वेबसाइट को स्क्रेप करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसके एचटीएमएल कोड को निकालेंगे और उसमें जो भी हमारे काम का डेटा छुपा हुआ है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी दोनों चीजें काफी एडवांस लेवल पे होती हैं, बेसिक लेवल पे भी होती हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, टास्क में भी हम आपको कुछ थोड़े से डिफिकल्ट एग्जांपल्स देंगे, बट माइंड यू ये बहुत सिनारियो टू सिनारियो डिपेंडेंट होता है। हम आपको यहाँ पे बेसिक्स सिखा देंगे। रिगार्डिंग वेब स्क्रीपिंग हमारी पेड सेशंस होंगे जहाँ पे हम थोड़ा और डीपर लेवल आपको सिखाएंगे, बट जो अगला दो सेक्शंस है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। यू शुड नो हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम एन एपीआई एंड यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू फेच डेटा यूजिंग वेब स्क्रीपिंग, ठीक है। तो प्लीज इन दोनों सेक्शंस को आप ध्यान से देखना। ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू फर्स्ट डिस्कस कि एपीआईज क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको ना पता हो एपीआईज क्या होते हैं, तो जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और आज की डेट में जहाँ पे हम पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा हर काम कोई ऐप कर रहा है, ट्रस्ट मी एपीआईज बहुत इंपॉर्टेंट है उन एप्स को रन करवाने में, ठीक है। सो आई विल क्विकली टेल यू इन अ सिंपल मैनर कि एपीआई क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताओ एपीआई का, एपीआई क्या करते हैं, तो आपको बस इतना बोलना है कि एपीआई एक्चुअली दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में बात कराता है, दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में बात कराता है, ठीक है। और या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि एपीआईज आर नथिंग बट डेटा पाइपलाइंस जो इंफॉर्मेशन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाता है, ठीक है। आई विल गिव यू सम सिनेरियोस जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कि एपीआईज क्या होते हैं। आई होप आप लोगों में से सभी ने कभी ना कभी फ्लाइट बुकिंग की होगी या आपने रेलवे टिकट्स कटाए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको रेलवे रिजर्वेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पे एपीआईज बहुत यूज होते हैं। सो रेलवे का रिजर्वेशन कराने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या तो फिर आप सीधे आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कराओ, या फिर आप मेक माई ट्रिप से कराओ, या फिर आप यात्रा डॉट कॉम से कराओ, या फिर और कोई ऑप्शन एग्जीगो एंड ऑल से आप करवा सकते हो, राइट। इनमें से आप कहीं से भी किसी भी दिन किसी भी ट्रेन का रिजर्वेशन करवा सकते हो, राइट। अब एक सिनारियो आप नोटिस करो, बाय द वे ये सारी की सारी अलग कंपनीज है, लाइक दीज आर ऑल डिफरेंट कंपनीज विथ देयर ओन डेटाबेसिस, राइट। बट अगर आप ध्यान दो कि मान लो आपके पास आपने एक टिकट कराया 15 अप्रैल का राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा टू दिल्ली, लेट्स से, और आपने उसमें B2 बोगी में 15 नंबर सीट बुक कर ली। अब सोच के देखो, मान लो ये बुकिंग आपने IRCTC से कराई, तो अब कोई और बंदा अगर मेक माई ट्रिप पे जाता है और इसी डेट का इसी ट्रेन में इसी बोगी का ये सीट बुक करने का ट्राई करें, आई नो सीट एग्जैक्टली बुक नहीं करते आप, लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये सीट अवेलेबल दिखाई देगा या बुक दिखाई देगा। ऑब्वियसली ये सीट बुक दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि
क्योंकि IRCTC से ये सीट का बुकिंग हो चुका है। तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो कि ऑल दो ये सारी अलग वेबसाइट्स हैं, अलग कंपनीज हैं, अलग अलग डेटाबेस हैं इनके, बट समहाउ दे आर एबल टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन अमंग ईच अदर कि भैया ये सीट बुक हो गई, अब इसको हम बुक नहीं कर सकते, राइट? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मेक माई ट्रिप के पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आया? ये डेटा तो IRCTC का है। अब ऐसा तो नहीं है कि IRCTC अपना डेटाबेस शेयर कर देगा मेक माई ट्रिप से, ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसका आंसर है कि मेक माई ट्रिप API यूज कर रहा है IRCTC का। मतलब IRCTC ने क्या किया है, अपना डेटाबेस को अपने डेटाबेस के चारों तरफ कुछ कोड लिख दिया है, कुछ फंक्शंस बना दिए हैं। उन फंक्शंस को अगर आप कॉल करते हो विथ करेक्ट इनपुट, जैसे कि एक फंक्शन है चेक करके बताओ कि सीट खाली है कि नहीं, तो आप अगर ट्रेन नंबर बता रहे हो, डेट बता रहे हो, बोगी नंबर बता रहे हो, तो IRCTC का सर्वर आपको पलट करके एक डेटा रिटर्न करेगा जो जेसॉन फॉर्मेट में होता है, जो ये बताएगा कि वो सीट खाली है कि नहीं। सो बेसिकली आप इस डेटाबेस से बात कर सकते हो थ्रू दिस लेयर ऑफ API, राइट? तो दैट इज व्हाई APIs आर सो इम्पोर्टेंट फ्लाइट बुकिंग के केस में। इनफैक्ट आप ये भी देखते होगे कि फेसबुक जैसी कंपनीज जिनका सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, वेबसाइट है, मोबाइल वेबसाइट है, एंड्रॉयड ऐप है, आईफोन ऐप है, वो सब के सब एक सिंगल डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, राइट? तो वहां पे भी क्या होता है कि फेसबुक का एक सिंगल डेटाबेस है जिसके ऊपर आपने APIs लिख रखे हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एंड्रॉयड है, ये iOS है, ये वेब है, ये सब इस API के थ्रू सेम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा एंड्रॉयड पे, तो वो iOS पे भी दिखाई देगा क्योंकि iOS भी सेम डेटाबेस से बात कर रहा है यूजिंग द API। तो APIs, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सॉफ्टवेयर डोमेन में हो तो आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए इसके बारे में, कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, ये दोनों चीजें आपको सीखनी चाहिए इफ यू आर इन कंप्यूटर साइंस डोमेन। बाकी इस वीडियो के लिए आई गेस आपको मैंने सफिशियंट इंफॉर्मेशन दे दिया। मैं और एक वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। एंड बिसाइड्स दैट आपको थोड़ा और रिसर्च खुद भी करना चाहिए, APIs आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हम लोग आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक वेबसाइट है, आई विल शो यू द वेबसाइट इज TMDB। TMDB बोल के एक वेबसाइट है, इसका नाम है द मूवीज डेटाबेस, ठीक है? इस वेबसाइट पे हमारा मूवीज का डेटा है, राइट? और वो डेटा हमें मिल सकता है इफ वी यूज देयर APIs, ठीक है? तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, आपको TMDB API अगर आप गूगल करो तो आपको इनका ये वेबसाइट दिखाई देगा, developers.themoviedb.org। यहाँ पे आपको अलग अलग APIs मिलेंगे, अलग अलग APIs का मतलब अलग अलग चीजें फेच करने के लिए अलग अलग APIs होते हैं, ठीक है? सो जैसे यहाँ पर एक है मूवीज बोल के सेक्शन, उसमें हमारे पास ये API है, जस्ट वन सेकेंड, गेट टॉप रेटेड, ये एक API है। मैं ट्राइट आउट पे जा रहा हूँ और ट्राइट आउट पे यहाँ पे ये रहा वो URL। अगर मैं इस URL पे हिट करता हूँ, अगर मैं इस URL पे हिट करता हूँ, तो ये वेबसाइट मुझे अपने डेटाबेस में से टॉप रेटेड मूवीज निकाल के दे देगा, राइट? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक चीज बतानी है, आपका API की, ये आपको बताना है, ठीक है? अब API की आपको कहाँ से मिलेगा, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन पे क्लिक करना है, या आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, और यहाँ पे प्रोफाइल्स एंड सेटिंग्स में आई हैव टू गो टू सेटिंग्स, और इस जगह पे API का ऑप्शन है, और ये गाइज मेरा API की है, तो आप यहाँ पे लॉग इन कर लेना तो आपको आपका API की मिल जाएगा। प्लीज डोंट यूज माई API API की, क्योंकि फिर वो कुछ लिमिट होता है कि आप इतने ही API कॉल्स ले सकते हो, तो अगर आप यूज कर लोगे तो फिर मुझे दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। सो प्लीज ट्राई करना अपना खुद का बनाने का। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे API की लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अपना API की पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है? और अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, सी गाइस,
जनरली आप जब किसी वेब ब्राउजर में जाके यूआरएल टाइप करते हो तो आपको एक वेब पेज मिलता है, बट जब आप किसी एपीआई को हिट करते हो ना तो आपको पलट के इस तरह का डेटा मिलता है। इसको जेसॉन बोलते हैं, दिस इज जेसॉन, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ठीक है, अब ये जेसॉन समझ में तो आ नहीं रहा, तो इसको समझने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, उनमें से एक टूल है, अगर आप गूगल करो जेसॉन व्यूअर, तो ये एक वेबसाइट है जेसॉन व्यूअर। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है सारा का सारा डेटा, और आप व्यूअर में जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये जेसॉन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो अगर आपको नहीं पता जेसॉन कैसे दिखता है, तो जेसॉन बिल्कुल पाइथन की डिक्शनरी की तरह होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखो, ये डिक्शनरी है हमारा, इसके अंदर चार की वैल्यू पेयर्स है। ठीक है, पहला की वैल्यू पेयर क्या है, पेज, पेज का वैल्यू कितना है, वन। सेकेंड की क्या है, रिजल्ट, और रिजल्ट का जो वैल्यू है वो एक पाइथन का लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर फिर से कई सारे पाइथन के डिक्शनरीज हैं। जैसे ये पहला डिक्शनरी पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये पहली मूवी है, हम टॉप रेटेड मूवीज निकाल रहे हैं, ये पहली टॉप रेटेड मूवी है, और मूवी का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो टीएमडीबी में नंबर वन टॉप रेटेड मूवी इज डीडीएलजे, अच्छा फील होता है जान के। ठीक है, सेकेंड मूवी इज गैब्रियल्स इन्फर्नो पार्ट टू, मेरे को आइडिया नहीं इस मूवी का, और आठवीं मूवी है वुल्फ वॉकर्स, अगेन मुझे आइडिया नहीं है। और अगर मैं इस जेसॉन में थर्ड पे जाऊं तो यहाँ पे लिखा है टोटल पेजेस 428। तो अभी अगर आप नोटिस करो तो हम पेज नंबर वन पे हैं, दिस इज पेज नंबर वन। ऐसे कितने पेजेस हैं, 428, और टोटल कितनी टॉप रेटेड मूवीज है, 8551। ठीक है, तो यही है गाइस हमारे पास जेसॉन पूरा जो स्ट्रक्चर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया डेटा सेट बनाना है, मतलब एक नया डेटा फ्रेम बनाना है पैंडास में, जिसमें 8551 मूवीज का डेटा होगा। ठीक है, और डेटा में क्या क्या होगा, मैं किसी एक मूवी का ओपन कर रहा हूँ, हम हमारे डेटा फ्रेम में कॉलम्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले होगा टाइटल, टाइटल सबसे पहले होगा, आईडी, ये आईडी भी इंपॉर्टेंट है, आईडी होगा, फिर ये टाइटल होगा, फिर ये रिलीज डेट होगा, फिर ये वोट एवरेज होगा, वोट काउंट होगा, और कुछ है क्या खास, पॉपुलैरिटी रख सकते हैं हम लोग। एक काम करता हूँ, मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं टाइप करता हूँ। सबसे पहले होगा आईडी, फिर होगा टाइटल, फिर होगा रिलीज डेट, फिर होगा ओवरव्यू, फिर होगा वी कैन आल्सो हैव, मतलब कोई भी कॉलम हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पॉपुलैरिटी, मैं बस सेलेक्टिव कॉलम्स ले रहा हूँ, आप चाहो तो कितने मर्जी भी ले सकते हो। पॉपुलैरिटी, वोट अंडरस्कोर एवरेज, और लास्टली अपने पास होगा वोट अंडरस्कोर काउंट। सो मेरे पास जो डेटा फ्रेम बनेगा इस पूरे टास्क को करने के बाद, उसका शेप होगा 8851 मूवीज क्रॉस कितने रोज, कितने कॉलम्स, एक कॉलम, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात। ये गाइज हमारा रिजल्टेंट डेटा फ्रेम होगा, यही हमें करना है। सो हमें अब क्या करना है, पाइथन में कोड लिखना है, जिस कोड को यूज करके हम इस एपीआई पे हिट करेंगे, ये डेटा को फेच करेंगे। ठीक है, और फिर उस डेटा में से काम की चीजें निकालेंगे डेटा फ्रेम वाले फॉर्मेट में, और ऐसा काम हम कितनी बार करेंगे, जितने यहाँ पे पेजेस हैं, जितने यहाँ पे अपने पेजेस हैं, कितने पेजेस थे मैं भूल गया, 428। तो हमारा एक लूप चलेगा जो 428 टाइम्स रन करेगा, हर बार एक नया यूआरएल हिट होगा, मूवीज का डेटा आएगा, उसमें से हम चीजें निकालेंगे और हमारे डेटा फ्रेम में अपेंड करते जाएंगे, और इवेंचुअली जब लूप खत्म होगा हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा फ्रेम आ जाएगा जिसमें 8000 मूवीज का डेटा होगा अक्रॉस 7 कॉलम्स। ठीक है, सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आई गेस आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप खुद का एक डेटा सेट क्रिएट कर रहे हो, तो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। सबसे पहले हमें दो लाइब्रेरीज इम्पोर्ट करनी है, सबसे पहले हमें पैंडास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए पड़ेगी रिक्वेस्ट बोल के, जिसको यूज करके हम लोग हमारा HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग पाइथन। ओके, जस्ट वन सेकेंड। या सो दोनों आपको बिल्ट इन बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है एनाकोंडा में, तो आपको खुद से करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज, यूजिंग द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यू विल कॉल
द गेट फंक्शन, और आप ये यूआरएल वहां पे पास कर दोगे लाइक दिस, राइट? दिस इज द यूआरएल। अब आप जैसे इसको रन करोगे, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स कि पाइथन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज करके एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मार रहा है उस एपीआई पे, और वो एपीआई पलट करके डेटा देगा जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? सो इफ आई रन दिस, देखो रिस्पॉन्स 200 का मतलब होता है एचटीटीपी कोड्स होते हैं, तो 200 का मतलब है कि सब कुछ सही से हो गया। 404 का मतलब है कि जिस चीज के लिए आप हिट कर रहे थे वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है? 500 का मतलब सर्वर डाउन, आई गेस आपको ये सब पता होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वहां से आ रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स कॉल इट रिस्पॉन्स, ठीक है? और अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन कॉल कर रहा हूँ टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट द इनकमिंग डेटा टू जेसॉन फॉर्मेट सी। अब ये एग्जैक्टली वही डेटा है जो हमारे पास वहां पे था, ठीक है? लेकिन सी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये रिजल्ट्स वाले चीज से मतलब है, मैंने आपको दिखाया था, मुझे सिर्फ इस रिजल्ट्स वाली चीज से मतलब है क्योंकि मूवी का सारा डिटेल यहीं पर है, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू इज, सिंस दिस इज एक्चुअली अ डिक्शनरी, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर की चाहिए तो मैं बस उसका नाम लिख दूंगा लाइक दिस रिजल्ट्स। और ये देखो गाइस, अब मेरे पास सिर्फ एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अलग अलग डिक्शनरीज हैं, ठीक है? अब बस यहां से एक लास्ट स्टेप और उसके बाद सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ये जो लिस्ट है इसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है, और वो करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, सिंपली आई जस्ट कट दिस कोड, यू हैव टू राइट पी डी डॉट डेटा फ्रेम और उसके अंदर इस लिस्ट को पास कर देना, और आप जैसे इस कोड को रन करोगे यू कैन सी ये रहा आपका कोड, ठीक है? आपका डेटा फ्रेम बन चुका है। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज, आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं आ रहा है। एनीवेज मैं आपको इसका हेड निकाल के दिखाता हूँ, हेड दो ही मूवीज। सो आपके जितने भी वहां पर चीजें थी, एडल्ट बैकड्रॉप पाथ जॉनर आईडी आईडी ओरिजिनल लैंग्वेज, ये सब कुछ मेरे पास आ गया है, ठीक है? अब बस मुझे जो चीजें चाहिए मैं वो एक्सट्रैक्ट कर लूंगा बाय दिस सिंटेक्स। मुझे आईडी चाहिए था, मुझे मुझे टाइटल चाहिए था, मुझे ओवरव्यू चाहिए था, मुझे और क्या चाहिए था, रिलीज डेट चाहिए था, और मुझे क्या चाहिए था, पॉपुलैरिटी वोट एवरेज एंड वोट काउंट, पॉपुलैरिटी वोट एवरेज और वोट काउंट चाहिए, ठीक है? और इसको रन किया एंड यू कैन सी गाइस, अब मैं हेड नहीं कर रहा, ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, सी ये रहा गाइस हमारा डेटा फ्रेम। हर पेज में 20 मूवीज है और ये रही मेरी 20 मूवीज, ठीक है? मैं चाहूँ तो इसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकता हूँ, df इज इक्वल टू दिस। और अब अगर मैं नीचे आके df को प्रिंट करूँ या हेड निकाल के दिखाऊं, तो ये रही मेरी टॉप 5 मूवीज और ये रहा उनका सारा डेटा जो भी मुझे चाहिए था, ठीक है? आई गेस आपको ये समझ में आ गया। अब बस मुझे क्या करना है गाइस, कि मुझे ये काम लूप में करना है, और लूप कितनी बार चलेगा, जितने पेजेस है, हर बार लूप के अंदर हम एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे और उसको पुराने डेटा फ्रेम में अपेंड करते जाएंगे, तो हमारे पास एक बड़ा सा डेटा फ्रेम बन जाएगा जब लूप खत्म होगा 8,000 मूवीज का, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। सो नाउ गाइज व्हाट वी विल डू इज, विल डू दिस एंटायर प्रोसेस इन द लूप, ठीक है? सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ df, ठीक है? और आपको पता है एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, लाइक दिस, दिस इज माई एम्प्टी डेटा फ्रेम। अगर मैं df प्रिंट करूं तो कुछ भी नहीं अभी उसके अंदर। अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन द रेंज ऑफ, एक से स्टार्ट होगा और कितने पेजेस तक जाएगा, देर आर इन टोटल आई गेस 428 पेजेस, सो आई वुड राइट 429 क्योंकि लास्ट वाला इज नॉट इंक्लूडेड। अब हर बार मुझे लूप में सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि मैं आई जस्ट कॉपी दिस पीस ऑफ कोड, कॉपी एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है? सो हर बार लूप के अंदर मैं इस यूआरएल पे हिट कर रहा हूँ, बट इस यूआरएल में अब मैं पेज वन के बदले स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करूंगा डॉट फॉर्मेट आई,
जो भी आई का वैल्यू होगा वही मेरा पेज नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद जब डेटा मेरे पास आ जाएगा, आई विल कॉपी दिस कोड एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। सो इस बार मैंने डेटा फ्रेम का नाम टेम्प अंडरस्कोर डीएफ रख दिया, क्योंकि बाहर वाले नाम से कंफ्यूजन हो सकता है, और अंदर का कोड बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो मेरे पास हर बार एक टेम्पररी डेटा फ्रेम आ रहा है जिसमें 20 मूवीज का डिटेल होगा। अब हर बार मुझे क्या करना है कि मुझे बाहर वाला जो मेरा डेटा फ्रेम है डीएफ, उसमें अपेंड करते जाना है अपना ये टेम्प डीएफ को, टेम्प डीएफ, ठीक है। और वापस इसे आई विल जस्ट चेक, एक चीज और गाइस, मैं यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स जो होता है, इग्नोर इंडेक्स, इसको ट्रू कर दूंगा। इससे क्या होगा, सी जब आप पहली बार लूप चलाओगे तो आपके मूवी का इंडेक्स 1 से 20 रहेगा, दूसरी बार लूप चलाओगे फिर से 1 से 20 रहेगा, तो हमारा इंडेक्सिंग अजीब हो जाएगा, पहले 1 से 20 तक, फिर 1 से 20 तक, फिर 1 से 20 तक। वॉट आई वॉन्ट इज कि 1 से 20 आए, फिर 21 से 40 आए, फिर 41 से 60 आए। तो ये इग्नोर इंडेक्स एग्जैक्टली यही काम करता है, ठीक है। ये अपने इंडेक्सिंग खुद से क्रिएट कर देगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं वापस बड़े वाले डेटा फ्रेम में डाल दूंगा, ठीक है। दैट्स इट गाइस, दिस इज द कोड, बस यही कोड आपको लूप में चला देना है। अब ऑब्वियसली सिंस हम 429 टाइम्स सर्वर से डेटा ला के पूरे मैनिपुलेशन को कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट रन दिस कोड एंड आई विल पॉज द वीडियो। सो या गाइस, कोड पूरा एग्जीक्यूट हो गया, 2 मिनट लगे एक्चुअली, बहुत ज्यादा नहीं। सो अगर मैं डीएफ को अब रन करूं तो यू कैन सी मेरे पास ये डेटा फ्रेम है जिसमें 8551 रोज हैं, एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पे दिखाई दिए थे इस जगह पे टोटल रिजल्ट्स, राइट। सो आई विल आल्सो शो यू द शेप, 8551,7 जो हमने इनिशियली प्लान किया था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपने एक बार ये कर लिया तो आप लिख सकते हो df डॉट, आप इस डेटा फ्रेम को csv में कन्वर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग दिस कोड। आप लिखोगे df डॉट टू csv और इसको आप movies डॉट csv के नाम से एक्सपोर्ट कर सकते हो और ये आपका इस जगह पे आ जाएगा, सी movies डॉट csv, दिस इज द डेटा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि इस डेटा को उठा के कैगल पे अपलोड कर सकते हो। आई होप आपको कैगल पता है, कैगल इज अ डेटा साइंस प्लेटफॉर्म जहां पे आप डेटा जाके अपलोड कर सकते हो, सी न्यू डेटा सेट। और कैगल में आप जितना डेटा अपलोड करते हो, कैगल आपको लाइक आपके प्रोफाइल को और ज्यादा इज्जत देने लगता है, आप फिर कैगल एक्सपर्ट बन जाते हो। पास्ट में मेरे कई स्टूडेंट्स ने इस तरीके से डेटा सेट्स क्रिएट करके कैगल पे अपलोड किया है और अपने प्रोफाइल को बूस्ट किया है, और ट्रस्ट मी कैगल के थ्रू उनको बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई, ठीक है। कैगल में आप 4 चीजें कर सकते हो जिससे आपका प्रोफाइल बूस्ट होता है। इधर यू कैन प्रोवाइड डेटा सेट्स जैसे हम अभी कर रहे हैं, और यू कैन प्रोवाइड नोटबुक्स, जैसे हम नोटबुक्स बनाते हैं उनको आप अपलोड कर दो। यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस। इन 4 फील्ड्स में आप कैगल में आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स पास में डेटा सेट्स बना रहे थे और उनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला कैगल कम्युनिटी से, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। नाउ यू माइट आस्क कि हम किस चीज का डेटा सेट बनाए, मूवीज का तो मैंने बना दिया, मूवीज का आपको कैगल पे मिल भी जाएगा बहुत सारा डेटा सेट। आप क्या कर सकते हो, आप रैपिड API पे जा सकते हो, ये URL है। इस URL पे आपको भर करके फ्री APIs का लिस्ट मिलेगा, सी अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, सी। और यहाँ पे लाइन से देखो, कोविड का है, फुटबॉल का है, सिटीज का डेटा सेट है, वेदर का डेटा सेट है, रियल्टर आई गेस प्रॉपर्टीज का डेटा सेट है, इंस्टाग्राम का भी शायद API है, Amazon का कुछ API है, वर्ड्स का API है। सो कैटेगरीज में जाके एक्सप्लोर करो और उस वेबसाइट पे जाओ और एग्जैक्टली यही प्रोसीजर को वहाँ पे अप्लाई करके CSV फाइल्स जनरेट करो और कैगल में अपने प्रोफाइल पे अपलोड करो, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ डेटा सेट एक्सपर्ट ऑन कैगल, ठीक है। और ये बहुत तगड़ी चीज होगी फिर आपके प्रोफाइल के साथ, ठीक है। ठीक है गाइस, हम लोग का क्या काम है आज, ये जो पेज है तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको, ये एक कंपनी है एम्बिशन बॉक्स बोल के, ये लोग बेसिकली कंपनीज का डिटेल्ड रिव्यू सॉर्ट ऑफ डालता है और इंटरव्यूज वगैरह रिलेटेड टू कंपनीज, गीक्स फॉर गीक्स की तरह है। और
अगर कंपनी स्किल मतलब प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वेबसाइट पे लोग जाते हैं। एनीवेज हमारा काम है कि इस वेबसाइट से ये कंपनीज का पूरा डेटा हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। द बैड पार्ट इज कि अनलाइक येस्टरडे दिस वेबसाइट इज नॉट प्रोवाइडिंग अस विथ एनी एपीआईज, मतलब दे एक्चुअली डोंट वॉन्ट अस टू गेट देयर डेटा। तो अगर तुमको इस तरह का सिचुएशन में हो जहां पर एपीआई नहीं है और डायरेक्टली डेटा नहीं मिल रहा है, देन वेब स्क्रिपिंग इज द ओनली ऑप्शन। सो हम लोग वेब स्क्रिपिंग करके, देर आर इन टोटल आई गेस यहाँ पे ये यूआरएल चेंज करने से, जैसे यहाँ पे अगर तुम टू डालोगे तो सेकेंड पेज खुल जाता है, ये सेकेंड पेज है, और मैंने शायद चेक किया तो देर वर इन टोटल आई गेस 333 पेजेस। हाँ 333 है, 334 शायद नहीं है। हाँ सो 334 नहीं है, ये लोगों ने ठीक से हैंडल नहीं किया एरर को, इसलिए पेज डिस्प्ले हो रहा है, कंपनीज का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इन टोटल इनके पास 333 पेजेस में डेटा है। सो अपना काम क्या है, सीक्वेंशली हम लोग इस यूआरएल्स इन यूआरएल्स पे हिट करेंगे, वन से स्टार्ट करेंगे, फिर टू पे, फिर थ्री पे, फिर फोर पे, और ऐसा करते करते हम लोग हर पेज से कंपनीज का डिटेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और कंपनी का क्या क्या डिटेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम लोग कंपनी का नाम निकालेंगे, उसका रेटिंग निकालेंगे, उस कंपनी के कितने रिव्यूज हैं ये निकालेंगे, पब्लिक, उसका हेडक्वार्टर लोकेशन, कितना पुराना है कंपनी, एम्प्लॉयज कितने हैं, और ये टैग्स, उस कंपनी से रिलेटेड टैग्स एक कॉलम में डालेंगे, कॉमा सेपरेटेड होगा, और ये कंपनी का अबाउट, इतना डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 1, 2, 3 प्लस 4, 7, 8 एंड 9, सो देर विल बी इन टोटल 9 कॉलम्स, और कंपनीज जितनी भी हैं उतना रो होगा। तो ये लोग तो जैसे बहुत ज्यादा बता रहा था, बट मैंने जब स्क्रेप किया तो पता नहीं इतना स्क्रेप नहीं हुआ, तो लेट्स सी क्या होता है अभी, ठीक है। तो एक काम कर लो, एक नया नोटबुक बना लो पहले तो, और इसको बोल दो वेब स्क्रैपिंग डेमो, वेब स्क्रैपिंग डेमो, और कुछ इंपोर्ट्स पहले ले लो। सबसे पहले तो अपने को लगेगा इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, फिर हम लोग को लगेगा इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ये हमने कल भी यूज किया था, और हम लोग को लगेगा फ्रॉम BS4 एज इन ब्यूटिफुल सूप 4, इम्पोर्ट ब्यूटिफुल सूप, ये हम लोग का मेन वेब स्क्रैपिंग लाइब्रेरी है। ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट एनाकोंडा में आता है, तो कुछ इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। ब्यूटिफुल सूप, इनिशियली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट अ HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ठीक है। सो वी विल राइट, ये कल का ही कोड है, रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड के अंदर वी विल पास दिस यूआरएल, विल पास दिस एंटायर यूआरएल, और इसको एक बार जैसे तुम रन करोगे ना तो एक प्रॉब्लम आता है, एक बार चला के देखो। ये बोल रहा है रिस्पॉन्स इज 403, 403 का मतलब होता है कि बैड रिक्वेस्ट, मतलब सर्वर ने तुम्हारा रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम इसके आगे डॉट टेक्स्ट लगाओगे तो तुमको कंटेंट मिलेगा, एंड दिस इज द कंटेंट, ये देखो ये कंटेंट है, एक्सेस डिनाइड, और यहां पे बोल रहा है यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस यूआरएल। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेबसाइट है एम्बिशन बॉक्स, इन लोगों ने देर इज अ थिंग, वेब डेवलपमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी का, वहां पर तुम एक टेक्स्ट फाइल में उन फाइल्स का नाम लिख देते हो जिसको तुम चाहते हो कि वेब स्क्रेपर्स या फिर गूगल जैसा सर्च इंजन क्रॉल ना कर पाए, ठीक है ना। तो उस रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में जो तुम जिन फाइल्स का नाम लिख दोगे ना, उनको तुम ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ये वाला चीज करके, मतलब डायरेक्टली HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करके। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होता है कि तुम अपने आप को डिस्गाइज में ऐसे शो करो जैसे ये रिक्वेस्ट ब्राउजर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मतलब द कॉन्सेप्ट इज दिस कि अगर तुम ऐसे नॉर्मली हिट कर रहे हो तो उस वेबसाइट को लग रहा है कि तुम एक बॉट हो, विच यू एक्चुअली आर, बट अगर तुमको फिर भी हिट करना है उस वेबसाइट पे, तो व्हाट यू विल डू इज तुम एक
एक काइंड ऑफ हेडर भेजोगे, एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेजोगे, जिसको देख करके एम्बिशन बॉक्स वाली वेबसाइट को लगेगा कि ये रिक्वेस्ट बॉट के थ्रू नहीं आ रहा, कोई ह्यूमन बीइंग भेज रहा है थ्रू अ ब्राउजर. ओके, सो ये कोड मैंने लिखा हुआ है. सो व्हाट यू विल डू इज, इस रिक्वेस्ट के जस्ट पहले यहां पर यू विल पेस्ट दिस पीस ऑफ कोड. सो ये हेडर में तुम ये इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो दैट दिस रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम अ ब्राउजर. दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट. ओके, और यहां पर क्या करना है, यहां पर बस एक एडिशनल पैरामीटर पास कर देना है हेडर्स बोल के, और इसका वैल्यू हो जाएगा ऊपर जो हेडर वाला अपने पास वेरिएबल है, हेडर्स इज इक्वल टू हेडर्स. ठीक है, और अब तुम कोड जब रन करोगे तुमको एक्चुअली पूरा का पूरा एचटीएमएल कोड आ जाएगा, जो उस वेबसाइट का पूरा एचटीएमएल कोड है. ये जो पूरा कोड है ये उस वेब पेज का पूरा एचटीएमएल कोड है. अब देखो ये कोड कौन सा कोड है मैं बता रहा हूं. जैसे अगर तुम ये वेबसाइट ओपन करके रखे हो तो अगर तुम इस पर राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स में जाओ तो ये जो कोड तुम्हारे स्क्रीन पे है ना, यही कोड को तुम अभी पाइथन में फेच किए हो, सेम कोड. ये भी पूरा उसका एचटीएमएल सीएसएस का ही कोड है, यही सेम कोड यहां पर है, दिस कोड, बोथ आर सेम. ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, इस कोड को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं बिकॉज इसको आगे यूज करना है. लेट्स कॉल इट वेब पेज. सो अपना एक काम तो हो गया है कि हम यूआरएल पे हिट करके पूरा का पूरा एचटीएमएल यहां पे ला पा रहे हैं. अब बस उसको पार्स करके उससे नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, दैट्स द मेन गोल. और वहीं पे अपने को फिर इस लाइब्रेरी का काम पड़ेगा, ब्यूटिफुल सूप. ब्यूटिफुल सूप इज अ लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वेब स्क्रैपिंग, बहुत फेमस लाइब्रेरी है पाइथन में. मोस्टली जब भी वेब स्क्रैपिंग करते हो तुम तो ब्यूटीफुल सूप ही यूज करते हो, और बहुत एडवांस लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं, याद नहीं रहता. तो मैं बस काम भर का जितना है उतना पढ़ाऊंगा, बाकी अगर तुमको इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोज हैं ब्यूटीफुल सूप के ऊपर, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के. एक बार फॉलो करोगे तो रफली आइडिया हो जाएगा. बट वेब स्क्रैपिंग इज अ थिंग जो बहुत वैरी करता है, मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. तो आई पर्सनली प्रेफर कि ब्यूटीफुल सूप काम के हिसाब से सीखना सफिशियंट है. आज ये वेबसाइट कर रहे हो तो इसके हिसाब से, कोई दूसरा वेबसाइट तो दूसरे के हिसाब से. ठीक है, सो इट्स अप टू यू. एनीवेज, हमारे पास ये आ चुका है वेब पेज. अब हम क्या करेंगे, इस वेब पेज को ब्यूटीफुल सूप को दे देंगे. ठीक है, सो विल क्रिएट अ वेरिएबल बाय द नेम ऑफ सूप, कुछ भी नाम रख सकते थे, एंड विल कॉल द ब्यूटीफुल सूप फंक्शन एंड विल पास द वेब पेज. एंड इसको एक चीज और प्रोवाइड करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एक्सएमएल, सॉरी एचटीएमएल पार्सर, LXML नाम है इसका, और ये बिल्ट इन होता है ब्यूटीफुल सूप के अंदर. ये इसकी वजह से HTML का पार्सिंग इजी हो जाएगा, तुम उसके अंदर ट्रैवर्स कर पाओगे बहुत इजीली. ठीक है, सो एंटर मारा और तुम्हारा ये सूप वाला वेरिएबल क्रिएट हो गया. ओके, अब यहां पे तुम, अब तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ब्यूटीफुल सूप क्लास का है, और अब तुम इस ऑब्जेक्ट को यूज करके ब्यूटीफुल सूप के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो और अपने वेब पेज के ऊपर उसको लगा सकते हो. ठीक है, सो अगर तुम सूप डॉट प्रिटीफाई करो, एक फंक्शन होता है प्रिटीफाई, ये क्या करेगा, तुम्हारे पूरे एचटीएमएल को सही से फॉर्मेट कर देगा, बट यू हैव टू प्रिंट इट आउट लाइक दिस. ये देखो, अब ये एग्जैक्टली वैसे दिख रहा है जैसा वहां पे दिख रहा था. अब इससे क्या होता है कि तुम वेब पेज का कंटेंट समझ पाते हो कि वेब पेज कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि देखो एट द एंड तुमको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है. इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुमको एचटीएमएल का स्ट्रक्चर जो है पेज में वो समझना पड़ता है. ठीक है, तो थोड़ा सा एचटीएमएल का नॉलेज लगता है, बट आज वाला बहुत बेसिक है तो तुरंत समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो ध्यान से देखो अभी क्या करना है. हम लोग यहां पर हैं, ये पेज है, एक बार अपने ब्राउजर में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाओ, इंस्पेक्ट, और ऐसा एक टैब खुल जाएगा, और इस टैब में सेम एचटीएमएल आ रहा है जो जिसकी वजह से ये पेज ऐसे डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, अब मुझे स्ट्रक्चर फाइंड करना है कि ये पूरा पेज कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. अगर तुमको एचटीएमएल नहीं आता तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट पैटर्न्स पिक करना. ठीक है, अब यहां पे देखो एक बटन है, इसको बोलते हैं सेलेक्ट एन एलिमेंट वाला बटन बेसिकली. इसको चेक कर लो, और इसके बाद तुम जैसे ही इसके ऊपर होवर करोगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे इसके ऊपर होवर करोगे, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली कोड में उस सेक्शन को हाईलाइट कर देगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. देखना क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे को अगर चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है टीसीएस वाला, इसका कोड कहां पे लिखा हुआ है पेज में, तो मैं बस इसके ऊपर होवर करूंगा और ये देखो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया
कि दिस इज द डिव, दिस इज द टैग जिसके अंदर टीसीएस का पूरा कोड लिखा है. अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो यू विल एक्चुअली फाइंड इस डिव टैग के अंदर देर इज वन मोर डिव टैग, देर इज वन मोर डिव टैग, एंड ऐसे करते करते यू कैन एक्चुअली रीच दिस प्लेस जहां पर ये देखो कंपनी इन्फो, और देखो यहां पे टीसीएस लिखा हुआ है. सो मुझे क्या करना है, ब्यूटीफुल सूप को यूज करके इस जगह तक पहुंचना है जहां पे टीसीएस लिखा हुआ है. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, द थिंग इज कि यहां पर इस तरह का ये कंटेनर्स रिपीट हो रहे हैं. जैसे टीसीएस का एक कंटेनर है, एक्सेंचर का एक है, आईसीआईसीआई बैंक का है. तो अगर तुमने वेब डेवलपमेंट थोड़ा भी पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा कि ये सब एक्चुअली आइडेंटिकल डिव्स हैं, बिल्कुल सेम, उनका नाम भी सेम है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्चुअली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एचटीएमएल अगर नहीं आता तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर लेट्स से तुमको अपने वेब पेज में से सारे के सारे H1 टैग्स अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं तो तुम ये कोड लिखते हो. तुम लिखोगे सूप डॉट फाइंड ऑल, और उसके अंदर तुम जैसे ही H1 लिखोगे तो तुम्हारे वेब पेज में जितने भी H1 टैग्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे. जैसे कि ये देखो, अभी इस पॉइंट पे हमारे वेब पेज में देयर इज ओनली वन H1 टैग विच इज दिस वन. ठीक है, अब देखो ये पूरा इंफॉर्मेशन आया है एक लिस्ट के अंदर, तो एनी गेसेस, अगर मुझे सिर्फ ये टेक्स्ट चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो ये तो पक्की बात है कि हम लोग को अगर लिस्ट ऑफ कंपनीज इन इंडिया निकालना है तो इस लिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, और इस लिस्ट में करेंटली देयर इज ओनली वन आइटम, तो हम बस ये लिख सकते हैं जीरो. तो देखो क्या मिल गया, H1. ठीक है, अभी भी मुझे इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, तो इसके लिए तुमको बस ये लिखना पड़ता है डॉट टेक्स्ट. तो देखो तुमको स्ट्रिंग मिल गया. सो तुमने जस्ट अभी अपने वेब पेज में से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, अगर मुझे सारे के सारे H2 निकालने होते, H2 इज अगेन HTML टैग, तो सूप डॉट फाइंड ऑल, और यहां पर इस बार मैं लिखता H2 और शिफ्ट एंटर, और ये देखो इस बार भी मुझे एक लिस्ट मिला, बट दिस टाइम यू विल नोटिस दैट दिस लिस्ट हैज मल्टीपल H2s सेपरेटेड बाय कॉमास. इफ यू वांट टू फाइंड आउट कितने हैं, तो सिंस इट इज अ लिस्ट तुम इसका लेंथ निकाल सकते हो, एंड यू विल एक्चुअली गेट द नंबर कि इस वेब पेज में कितने H2s हैं. सो देयर आर 30 H2s. ठीक है, ये देखो. अच्छा, अब बेस्ड ऑन प्रीवियस जो मैंने दिखाया, ये वाला, ये तो दिख रहा है कि H2 में ही सारे कंपनीज का नाम है. ये देखो TCS, Accenture, ICICI बैंक. सो हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन दिस एंटायर लिस्ट, एंड वी विल सिंपली प्रिंट आउट व्हाट, I.text. आ गया. अब द प्रॉब्लम इज दिस कि ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग एडेड है, मतलब मैं बता रहा हूं क्या है, ये स्लैश है ना इसमें पहले से लगा हुआ. ठीक है, तो अगर तुमको उसको हटाना है तो एक फंक्शन होता है स्ट्रिप बोल के, उसको लगा दो, और ये देखो तुमको सारी कंपनीज का नाम मिल गया. नाम हमने निकाल लिया, ये इतना एक बार कोड चला के देखो. स्ट्रिप एक बार क्यों लगा बोलिए एक बार? हाँ, स्ट्रिप इसलिए लगा क्योंकि अगर स्ट्रिप नहीं लगा रहे थे तो तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि क्या हो रहा था, कि गैप्स आ रहे थे बहुत सारे. ये गैप्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि यहां पर हिडन, मतलब हिडन नहीं, एक्चुअली हम प्रिंट कर रहे हैं तो पाइथन में नहीं दिख रहा, बट वहां पर जिसने भी एचटीएमएल में कोड किया है ना, उसने वहां पे स्पेस और स्लैश इन यूज किया है. तो हम वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी थे, स्पेसेस और स्लैश इन और सब हटाने के लिए स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, सो दैट मुझे सिर्फ पूरा का पूरा स्ट्रिंग मिल जाए लाइक दिस. ये पूरा प्रॉपर पाइथन स्ट्रिंग है. अब सी द प्रॉब्लम इज दिस कि मुझे सिर्फ कंपनीज का नाम नहीं चाहिए, मुझे अलॉन्ग विद दैट आई नीड सम अदर इंफॉर्मेशन. जैसे मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये रेटिंग भी चाहिए. अब देखो रेटिंग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो समझने का बात है. फिर से मैं क्या कर रहा हूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जा रहा हूं और मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, इस वाले इसको जो भी ये आइकन है, और अब मैं होवर कर रहा हूं रिव्यू के ऊपर, सॉरी रेटिंग के ऊपर, और जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखो ऑटोमेटिकली ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट हो गया, और ये बोल रहा है कि ये जो रेटिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दिस पी टैग, राइट, इट्स बिकॉज ऑफ दिस पी टैग. हाँ देखो, अगर तुम ये लिखते सूप डॉट फाइंड ऑल, और इस बार हम अंदर लिखते अगर पी, और फिर अगर हम लिख, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं
तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, हाँ सबके सबको, क्या आ रहा है, अरे यार सॉरी माय मिस्टेक, फॉर आई इन सू, ये देखो ये एरर समझ में आया। द प्रॉब्लम इज दिस कि इस पेज में, ये जो पेज है तुम्हारा, इसमें ऑल दो एच टू यूज किया गया है सिर्फ कंपनी का नाम प्रिंट करने के लिए, बट पी टैग्स आर यूज फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स, मतलब ये रिव्यू के लिए भी पी टैग यूज हुआ, ये पब्लिक के लिए भी पी टैग यूज हुआ, मुंबई के लिए भी, सो ये सब कुछ पी टैग ही है। तो तुम एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे रेटिंग चाहिए या मुझे ये अबाउट चाहिए या मुझे मुंबई वाला टैक्स चाहिए, वो अब हमें वो पी टैग्स चाहिए जो रेटिंग के लिए स्पेसिफिकली है, ये करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो लेट मी शो यू कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार इंस्पेक्ट पे जा रहा हूं और फिर से मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं टैग और इस पे क्लिक कर रहा हूं, नहीं इस पे, जस्ट वन सेकेंड, इस पूरी चीज पे सेलेक्ट किया। देखो अब यहां पर एक्चुअली तुम पी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग दिस क्लास एट्रीब्यूट। अगर तुमने थोड़ा भी वेब डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो क्लास एक्चुअली यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, नॉट यूनिकली, मतलब और भी पीज होंगे जिसका सेम क्लास होगा, बट यहां पर ये रेटिंग वर्ड देख लो, दिस रेटिंग वर्ड, दिस इज सिग्निफाइंग कि ये जो पैराग्राफ है वो रेटिंग्स के लिए बना हुआ है। आई कैन एक्चुअली प्रूव दिस, देखो कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू दिस, आई विल राइट दिस कोड इन दिस मैनर, आई विल राइट सूप डॉट फाइंड ऑल, इस बार भी मुझे पी चाहिए, बट इस बार मुझे स्पेसिफिक पी चाहिए जिसका क्लास इज रेटिंग, आई गेस रेटिंग ही वर्ड है, हाँ रेटिंग, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि मुझे पी चाहिए, बट मुझे सिर्फ वही पीस चाहिए उस पेज में जिसका क्लास का नाम क्या है, रेटिंग। और अब मैं जैसे इसको रन कर रहा हूं, देखो नोटिस करो 3.9, 4.0, 4.1, अगर मैं इसका लेंथ निकालूं और अगर एग्जैक्टली 30 आए तो हमारे पास हमारा आंसर है, ये देखो। सिमिलरली अगले वाले का बात करते हैं, रिव्यूज का, ठीक है। फिर से सेलेक्ट कर रहा हूं मैं और रिव्यूज पे क्लिक कर रहा हूं। अब ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बार ये पी टैग नहीं है, इस बार ये ए टैग है, ए टैग। तो फिर से आई गेस आइडिया लग रहा है क्या करना है, अगर मैं यहां पर ए लगाऊं और आगे वाला मैं भी हटा दूं, अगर लेट्स से तो देयर शुड बी अ ब्रैकेट। देखो आई गेस तुमको फिर से समझ में आ रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज इस पेज में बहुत सारे लिंक्स हैं, ए टैग इज बेसिकली लिंक वाला टैग, तो इस पेज में बहुत सारे लिंक हैं, तो फिर भी हम फिर से हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, क्लास का। तो यहाँ पे क्लास का नाम है रिव्यू काउंट, दिस वन, सो वी विल कॉपी दिस क्लास नेम एंड आई विल अगेन गो हियर एंड विल सिंपली राइट क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू क्लास का नाम। और अगर फिर से अगर हम लेंथ निकालते हैं और 30 आ रहा है तो हमारा काम फिर से हो गया, देखो। सो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। सो देखना एक बार, मुझे चाहिए पब्लिक, ठीक है ना, मुझे टाइप ऑफ द कंपनी फेच करना है कि पब्लिक है या प्राइवेट है। ये टेक्स्ट मेरे को चाहिए तो मैं फिर से इस पर क्लिक कर रहा हूं और फिर से इसके ऊपर होवर कर रहा हूं, तो मुझे ये मिला कि ये पब्लिक प्रिंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पी टैग और इसका क्लास नेम इज इन्फो एंटिटी, ठीक है, राइट। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम आएगा कि अगर मैं यहां पे पी लिखूं और यहां पर मैं इसका नाम अगर कॉपी कर लूं, ये अगर तुम यहां पे लिख के इसको रन करो तो 119 आ रहा है, 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1, मतलब सभी कंपनी का ये चारों इंफॉर्मेशन आ जा रहा है, कोई एक कंपनी है यहां पर जिसमें ये इंफॉर्मेशन सिर्फ 3 है, जो भी है, मतलब कहीं पे नीचे होगा एक कंपनी जिसमें ये सिर्फ 3 है, इसलिए एक कम हो जा रहा है। बट प्रॉब्लम समझ में आया क्या हो रहा है अपने को, प्रॉब्लम ये है कि इस बार एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब सी क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, हम लोग एक तो शुरू से एक गलती कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है ना, एक कंपनी का जो पूरा कंटेनर है, इसको सबसे पहले फेच करना चाहिए था। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, ये पूरा कंपनी का कंटेनर कैसे मिलेगा, फिर से इंस्पेक्ट में जाएंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे होवर करना है, पूरे के पूरे ऐसा होवर करना है कि पूरा का पूरा चीज सेलेक्ट हो जाए लाइक दिस। और अब क्लिक किया, ये देखो एक डिव टैग है
और इसमें एक क्लास है जिसका नाम है कंपनी कंटेंट रैपर, और इसी के अंदर सारा इंफॉर्मेशन है। या फिर कंपनी कंटेंट लें, दोनों में से कौन सा लें, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कंपनी कंटेंट के अंदर ही सब कुछ है, क्योंकि उसके बाद डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है, जस्ट वन सेकेंड यार, इसमें बस वेब पेज बहुत तगड़ा स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं, ये डिस्क्रिप्शन बाहर है उसके, तो कंपनी कंटेंट नहीं, यही वाला लेंगे, कंपनी कंटेंट रैपर। ठीक है, सुनो अप्रोच क्या है, बता रहा हूँ। सी, हम ये करेंगे, ऊपर वाला सारा कोड इग्नोर मारो, मैं हटा रहा हूँ इसको, इनफैक्ट आगे वाले पे फोकस करते हैं। मैं ये वाला सारा कोड हटा रहा हूँ अभी, मैं बस दिखाने के लिए सारा कोड कर रहा था। हाँ, इतना तक ठीक है। और अब मैं ये कोड लिख रहा हूँ कि मैं कंपनी बोल के एक चीज बना रहा हूँ, कंपनी बोल के एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं सूप डॉट फाइंड ऑल, सूप डॉट फाइंड ऑल, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूं डिव, बिकॉज मुझे डिव एक्सट्रैक्ट करना है, और उसका क्लास कौन सा है, अभी हमने जस्ट कॉपी किया ये वाला। अगर तुम इसको रन करो और अगर तुम लेंथ निकालो कंपनी का, तो 30 आ रहा है, वन फॉर ईच कंपनी। सो मैंने पूरा डिव एक्सट्रैक्ट कर लिया। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल रन अ लूप फॉर आई इन कंपनी। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक डिव के अंदर घुस रहे हैं, यहां तक सही है, हर बार हम लोग एक डिव के अंदर घुस रहे हैं और हर बार एक एक चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का नाम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसको हम लोग किस में डाल रहे हैं, एक एम्प्टी लिस्ट में डालेंगे। हाँ ठीक है, चलो सही है, एक काम करते हैं, यहां पर मैंने नेम बोल के एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं, ध्यान से देखना, आई डॉट फाइंड ऑल, और इसके अंदर अगर मैं लगाऊं H2, तो इट विल फाइंड मी द H2 इनसाइड दैट डिव। ये बात समझ में आ रहा है, पहले हम पूरे के पूरे वेब पेज में सर्च कर रहे थे, अब हम हर डिव के अंदर सर्च कर रहे हैं, ये बात समझना। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, हमने पूरे वेब पेज को 30 डिव्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब हम लूप चला रहे हैं हर डिव के ऊपर। सो जब लूप ये पहली बार चलेगा, सोच के देखना, जब ये पहली बार लूप चलेगा तो हम टीसीएस के अंदर है, राइट। अब टीसीएस के अंदर H2 के अंदर क्या स्टोर्ड है, टीसीएस वर्ड, वही हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने लिखा फाइंड, एक्चुअली फाइंड ऑल करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइंड करने से भी चलेगा, फाइंड मतलब सिंगल, फाइंड ऑल मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो मैंने लिखा आई डॉट फाइंड। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, देखो क्या प्रिंट होगा, देखो यही चीज तो प्रिंट करवाई थी हमने, समझ में आया। जब लूप पहली बार चला तो टीसीएस प्रिंट हुआ, जब दूसरी बार चला तो हम दूसरे डिव में घुस गए और एक्सेंचर प्रिंट हुआ, तीसरे डिव में आईसीआईसीआई बैंक प्रिंट हुआ। ठीक है, अब अगर मैं इसके आगे टेक्स्ट लगा दूं और उसके आगे स्ट्रिप लगा दूं तो सिर्फ कंपनी के नाम आ गए, राइट। अब अगर मैं एक काम करूं, इस पूरी चीज को उठा करके नेम डॉट अपेंड के अंदर डाल दूं, अगर नेम डॉट अपेंड के अंदर लाइक दिस, और अब रन करूं तो नेम के अंदर क्या आएगा, नेम विल बी अ लिस्ट जिसमें सारी कंपनीज के नाम है। देखो पहले और अभी में कोई डिफरेंस नहीं है, इस बार बस हम लोग हर डिव के अंदर घुस के काम कर रहे हैं, दैट्स इट। हम वेब पेज से हर डिव के अंदर जा रहे हैं और डिव के अंदर से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमको उस वाले केस में काम आएगा जो थोड़ी देर बाद मैंने बताया था ना, पब्लिक वाला निकालने में प्रॉब्लम हो रहा था, यू विल नोटिस ये वाला स्ट्रैटेजी वहां पे काम आएगा। इसके बाद हम लोग रेटिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, आई गेस पता चल ही रहा होगा। सी, यू विल डू दिस, यू विल राइट रेटिंग इज इक्वल टू दिस एम टी, एंड देन यू विल राइट रेटिंग डॉट अपेंड आई डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्यों करना पड़ रहा है इस बार, इस डिव के अंदर H2 एक बार आया था इसलिए मैंने फाइंड लिखा, फाइंड ऑल का भी आउटपुट सेम आता, लेकिन मेरे को यहाँ पे रेटिंग के लिए फाइंड ऑल लिखना पड़ रहा है बिकॉज देर आर मल्टीपल पी टैग्स। ठीक है, अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि कौन सा पी टैग यूज करना है मुझे, जैसे क्लास, और क्लास का नाम हमने याद किया था इट वॉज रेटिंग, राइट। अब अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूं और यहां पर अगर मैं रेटिंग लिखूं तो मेरे पास सारी कंपनीज का रेटिंग होना चाहिए, और ऑब्वियसली उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, और ये रहा मेरा सारा रेटिंग। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, अच्छा ठीक है, जीरो कर लेते हैं फिर क्योंकि इट विल बी सिंगल। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, क्योंकि उस लिस्ट में एक ही तो आइटम होगा ना, तो
एक्चुअली तुम फाइंड ऑल भी करोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि फाइंड करने पे क्यों काम हो जाएगा सोच के देखो, क्योंकि पी और रेटिंग नाम का वहां पर एक ही पी है, दैट्स व्हाई। मतलब फिर ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दोनों चीजों को अगर मिला दो तो फिर ये वाला चीज यूनिक है उस डिफ के अंदर, तो फाइंड लिखने से काम चल गया। फाइंड ऑल करोगे तो फिर लिस्ट में सिंगल आइटम आ रहा है और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको वो इंडेक्स लगाना पड़ रहा है जीरो का, ठीक है। मैंने फाइंड ऑल तुम तब लगाते हो, सिंपल है, फाइंड ऑल तुम तब लगाते हो जब तुमको लगता है कि इस ऑपरेशन को करने के बाद मुझे मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे, सिंपल है, ठीक है। अब मैंने फाइंड ऑल लगाया ये सोच करके कि पी टैग विथ रेटिंग विल गिव मी मल्टीपल आंसर्स, बट देन आई रियलाइज कि पी और रेटिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दो तो एक डिव के अंदर सिर्फ एक ही बार ऐसा हो रहा है और वो है इस रेटिंग वाले के लिए। तो अगर मैं फाइंड ऑल लगाऊंगा तो भी मेरे को आंसर मिलेगा, बट दैट आंसर विल बी इनसाइड अ लिस्ट, क्योंकि फाइंड ऑल का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो लिस्ट में रिटर्न करना। तो अगर मुझे उस आइटम को निकालना है तो मुझे आगे फिर जीरो लगाना पड़ेगा, राइट। बट जैसे मुझे पता चला कि भाई अगर वो एक ही आइटम है तो फिर मैं फाइंड ऑल क्यों कर रहा हूँ, फालतू का एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तो मैंने सिंपली फाइंड कर दिया तो मेरे को लिस्ट नहीं मिला, डायरेक्टली वो चीज मिल गई और उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इज कि जो मैं सर्च कर रहा हूं क्या वो मुझे मल्टीपल वैल्यूज देगा या सिंगल वैल्यू देगा। तो हमने दो चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली, नेम और रेटिंग निकल गया अपना, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरी चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज, ठीक है। तो फिर से क्लिक कर रहे हैं और इसके ऊपर होवर कर रहे हैं और दिस इज अ ए टैग, ठीक है, और ए टैग विद अ क्लास ऑफ रिव्यू काउंट। सो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं और इसको यूज करते हैं थोड़ी देर में। सो अगेन विल गो बैक, विल क्रिएट वन मोर लिंक बाय द नेम ऑफ क्या है वो रिव्यूज। रिव्यूज विल बी एन एम्प्टी लिस्ट और दिस टाइम वी विल राइट रिव्यूज डॉट अपेंड आई डॉट फाइंड लगा रहे हैं, अंदर ए लगा रहे हैं और क्लास में वी आर पुटिंग, तो ये हो गया। और इसके आगे बस फिर से लगाते हैं टेक्स्ट और इसके आगे लगाते हैं स्ट्रिप और अब रन कर रहे हैं, हमारे पास तीन चीजें आ गई, रिव्यूज भी आ गए, ये रहा हमारे पास तीन लिस्ट आ गया 30-30 लेंथ का और हमने तीन काम कर लिया। उसके बाद अब मेन जो चीज के लिए हमने इतना मेहनत किया वो एक्सट्रैक्ट करना है ये चारों चीजों को, ठीक है। अगला वाला के लिए एक माइनर डेमोन्स्ट्रेशन देखो पहले तो तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर तुम नोटिस करो तो कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या है, हमने जो कंपनी बनाया इसके अंदर 30 आइटम्स थे और 30 आइटम्स में एक्चुअली सारे डिव्स हैं। देखो ये जो है ये एक बहुत बड़ा चीज है, इसमें सारे डिव्स हैं, टीसीएस का भी पूरा डिव है, एक्सेंचर का भी पूरा डिव है, आईसीआईसीआई का भी पूरा डिव है। कैन यू टेल मी अगर मुझे यहां पे टीसीएस का डिव एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा। हम बस अगर ये लिख दें तो ये किसका है, ये जो पूरा का पूरा कोड आया अभी, ये पूरा का पूरा कोड ये सिर्फ टीसीएस का है, राइट। अगर मैं यहां पर वन लिख दूं तो मुझे सेकंड कंपनी का डिव मिल जाएगा, राइट, यहां तक ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो यहां पर है कि हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जब हम इस पे जा रहे थे तो वी रियलाइज्ड कि इसका पी और इसका क्लास इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इसका पी और इसका क्लास, इसका पी और इसका क्लास और इसका पी और इसका क्लास। सो इन अ वे टेक्निकली मेरे पास कोई तरीका नहीं है इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का, यही तो अपना प्रॉब्लम था, यही तो अपना प्रॉब्लम था। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये कोड लिखूं फाइंड ऑल विथ पी एंड क्लास अंडरस्कोर इक्वल टू एक इनका किसी में इनमें से किसी का भी अगर हम उठाएं क्लास नेम तो इन्फो एंटिटी कुछ ऐसा नाम था शायद, अगर हम इसके ऊपर होवर करें तो इन्फो एंटिटी जो नाम है इसको अगर मैं कॉपी कर लूं और यहां पे पेस्ट मारूं इस जगह पे, अब बताओ अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या आएगा, इट विल बी अ लिस्ट एंड लिस्ट विल कंटेन हाउ मेनी आइटम्स, 4 एग्जैक्टली। ये देखो सो मेरे पास पब्लिक भी आ गया, मेरे पास मुंबई भी आ गया, मेरे पास 52 ईयर ओल्ड भी आ गया मेरे पास। अब बताओ मुझे अगर पब्लिक निकालना है तो क्या लिखेंगे, 0 उसका डॉट और डॉट निकल गया। अगर मुझे सेकंड वाला चीज निकालना है, अब मान लो मुझे मुंबई प्लस 43 सिटीज निकालना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 के बदले 1 कर देंगे, मुंबई प्लस। अगर मैं 2 कर दूंगा तो 52 ईयर्स ओल्ड, अगर मैं 3 कर दूंगा तो, अगर मैं 4 कर दूंगा तो एरर, क्योंकि उसमें है ही नहीं। ये बात समझ में आया, अगर ये कोड समझ में आया ना तो फिर तुम समझ गए ऑलमोस्ट क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल है कोड। तो चार वेरिएबल्स ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। पहला वेरिएबल बना रहे हैं कंपनी टाइप का, लेट्स कॉल इट सी टाइप, इनिशियली इट वुड बी एम्प्टी, देन फॉर एच हेडक्वार्टर लेट्स कॉल इट एच क्यू, अगेन एम्प्टी, देन देर वुड बी हाउ ओल्ड लेट्स कॉल इट ओल्ड, और एक और रहेगा
एम्प्लॉयज का। अब खुद बताओ गाइस, यहां पर कंपनी जीरो लिखा है तो इस लूप के अंदर क्या लिखना पड़ेगा इसके बदले, कंपनी जीरो के बदले आई, राइट? ये तो कोड बहुत सिंपल है, आई डॉट आगे का एकदम कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, सी टाइप डॉट अपेंड और यहां पे ये कोड लिख दिया मैंने, ये कर दिया, ठीक है, इतना काम हो गया। एक लास्ट चीज अपने को चाहिए है विच इज दिस थिंग, दिस अबाउट थिंग, ठीक है, तो फिर से वही काम, इंस्पेक्ट में जा रहे हैं और इस पे क्लिक कर रहे हैं और इस पे क्लिक करके, हाँ तो ये पी है और इसका क्लास है डिस्क्रिप्शन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसको जल्दी से लिख लो। सो विल राइट डीएससी और या छोड़ो यार ये डिस्क्रिप्शन हटाओ, मतलब इतना कर लेते हैं पहले, डिस्क्रिप्शन छोड़ो फालतू का मेहनत, इतना हो गया। अब बताओ लास्ट काम क्या होगा, हमने सारे के सारे लिस्ट अगर फॉर्म कर लिए तो अब मुझे क्या करना है, एक डेटा फ्रेम फॉर्म करना है। डेटा फ्रेम फॉर्म करने का लॉजिक कल हमने डिस्कस किया था, मैं बाहर आ रहा हूं और यहाँ पे डी इज इक्वल टू आई एम राइटिंग आई एम क्रिएटिंग कॉलम्स, सो द फर्स्ट कॉलम इज नेम एंड इट विल होल्ड द वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट, देन द सेकेंड कॉलम विल बी रेटिंग और रेटिंग के बाद यू विल राइट रेटिंग रिव्यूज रिव्यूज, देन सी टाइप और यहां पे भी सी टाइप, एक्चुअली यहां पे कंपनी टाइप लिख सकते हैं हम लोग या सिर्फ टाइप लिख सकते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ेगा, और एच क्यू हेडक्वार्टर हाउ ओल्ड ओल्ड एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयज और उसका वैल्यू इज एम्प्लॉयज, पीडी डॉट डेटा फ्रेम विल पास द डिक्शनरी, लेट्स कॉल दिस टू बी इक्वल टू डी एफ एंड लेट्स प्रिंट आउट डी एफ, हाँ इंडेक्स एरर आ रहा है उसी चीज में, ठीक है एक बार इसको रन करते हैं, डी एफ कितना आ रहा है, इसका शेप कितना आ रहा है, एक कंपनी कम आना चाहिए ना, अच्छा नहीं एक हमने मिस कर दिया ना, मतलब बेसिकली वहां पे नल होगा, कौन सा कंपनी है ये वाला कॉन्सेंट्रिक्स, ठीक है सही है, ये रहा गाइस हमने पहला पेज फेच कर लिया और ये रहा उसका डिटेल्स। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है, एक और लूप चलाएंगे जैसा कल किया था, हाँ टोटल दे रहा 333 पेजेस राइट, तो 333 तक तो नहीं चलाएंगे मर जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं 10 पेज तक करके दिखा रहा हूँ बाकी तुम लोग करो। चलो आगे का काम पता है अपने को, क्या करना पड़ेगा, विल रन अ लूप फॉर जे इन रेंज ऑफ, फिलहाल 1 से लेके 11 तक चलाते हैं और उसके ऊपर हम लोग को पहले बाहर में एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, लेट्स कॉल इट फाइनल, फाइनल विल बी पीडी डॉट डेटा फ्रेम, एम्प्टी डेटा फ्रेम रहेगा और उसके बाद इनसाइड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे पूरा का पूरा, सो विल कॉपी दिस पीस ऑफ कोड, पूरा का पूरा रिक्वेस्ट क्रिएट होगा हर बार लूप में घुसने के पहले, लूप में घुसने के बाद, सो दिस इज द कोड, हाँ तो एक काम कर रहा हूँ मैं यूआरएल बोल के एक वेरिएबल बाहर क्रिएट कर रहा हूँ और इस पूरी चीज को यहां से कट करके यहां पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसमें बस लास्ट में जहां पे वन लिखा है इसको मैं डायनेमिक बनाने के लिए डॉट फॉर्मेट मार रहा हूँ, सो यहां पे मैंने लिख दिया जे और यहां पे मैंने पास कर दिया यूआरएल, ठीक है इतना हो गया, रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया। अब ऊपर गए और ये वाला कोड कॉपी किया, दिस वन सूप क्रिएट किया जहां पे, इसको पेस्ट कर दिया और एक और लाइन को पेस्ट कर दिया ये वाला और बस उसके बाद आगे वाला सारा कोड वहां से उठा देना है, ये पूरा कोड कॉपी हो जाएगा, ये हमने कल भी किया था एग्जैक्टली सेम टू सेम, सो विल कॉपी दिस कोड कंट्रोल सी और इसके नीचे बस पेस्ट कर देना, इंडेंटेशन खराब हो गया सो हाँ दिस इज डन। अब बस एक लास्ट काम बच गया,
यहाँ पर विल राइट फाइनल इक्वल्स फाइनल डॉट, ये सेम है बिल्कुल कल वाला कोड है, फाइनल डॉट अपेंड, और यहाँ पे बस हमने डीएफ डाल दिया, रन ही कर लेते हैं। चलो थोड़ा टाइम लगेगा, 10 पेजेस को हम हिट कर रहे हैं, वहां से डेटा ला रहे हैं, उसको स्क्रेप करके डेटा फ्रेम में ऐड कर रहे हैं, लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे यार इंडेक्स रिपीट, तो हाँ इंडेक्स रिपीट होने लग गया यार, एक गलती हो गई ना, क्या करना पड़ेगा, फाइनल डॉट शेप, 300 कंपनीज का डेटा निकला है 10 पेजेस में, सही है ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो एक काम कर रहा हूं मैं बड़ा शॉट ले रहा हूं, इग्नोर इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू कर रहा हूं, और फिर मैं भगवान का नाम लिखे 333।